उन सब लड़कियों में सबसे खूबसूरत तो मैं हूँ, कोई और उन्हें मेरे सिवा पसंद आ ही नहीं सकती। ये लड़की है बड़ी ही खूबसूरत, रंगत ऐसी जैसे दूध मलाई। चाहे दीद तेरी। You like her? पसंद आ गई क्या? इसको फाइनल कर दे, मैं इसी से शादी करूंगा। जो लड़की उन्हें पसंद आई है ना, वो लड़की तुम नहीं। अलीना को देखकर मुझे एनी की याद आ गई, जैसे आपस में कोई कनेक्शन हो तो। अलीना हसीद की शादी है तो हर चीज परफेक्ट होनी चाहिए। कटी हुई चीजें बिल्कुल भी नहीं पसंद, अपनी बीवी तो करते नहीं। अलीना, इनको बताओ कि मैं शहजाद हूँ और हमारा रिश्ता होने जा रहा है। पागल हो गए क्या? ये तुम्हारे मैसेजेस नहीं है? किस शख्स में जानती थी मुझे? तलाक का नोटिस वापस ले लो, मैं तुम्हारे सारे पोल खोल दूंगा, कहीं मुंह दिखाने के लायक नहीं रहोगी। तुमने एक पाकीज़ा लड़की के किरदार पर कीचड़ उछाला है। मोहब्बत को पाने के लिए जो रास्ता तुमने अपनाया वो गलत था। यार मैं तो ये सोच सोच के इतनी एक्साइटेड हो रही हूँ कि तुम्हारी शादी होने वाली है। उफ, कितना मजा आएगा, मैं तो अपने सारे अरमान पूरे करूंगी। कहीं तो तुम्हारी पहले करवा दें। मुझे कोई शादी वादी करने का शौक नहीं, सिर्फ तुम्हारी शादी का सुन के इतना एक्साइटेड हुई हूँ बस। अच्छा एक बात तो बताओ, तुम खुश तो हो ना? इसमें ना खुश होने वाली कौन सी बात है? एक और बात, अली भाई ने क्या बात करनी होगी, इतनी क्यूरियोसिटी हो रही है मुझे। ये तो तुम जाके अपने अली भाई से खुद पूछो, लेकिन इस बात से ना अम्मा जरूर परेशान हो गई थी। बात अम्मी क्यों परेशान हो, वो तो बहुत खुश है, आफ्टर ऑल तुम्हारा रिश्ता जो तय हो गया। और मुझे ना अली भाई काफी पढ़े लिखे लगते हैं, बल्कि होंगे डेफिनेटली, और ऊपर से मुझे बहुत ही सलीकेमंद भी लगता है, और साथ में अमीर भी अच्छे खासे है ना। मुझे माफ कर दो, मैंने आज एक दूसरे रिश्ते की खुशी के लिए हार मान ली है। मैं आप ही को मजीद तकलीफ नहीं दे सकता था, उन्हें मजीद नहीं रुला सकता था, इसलिए मुझे मानना पड़ा। लेकिन इसका यह मतलब नहीं है कि मैं तुमसे मोहब्बत नहीं करता या मैं उस हादसे को भूल गया हूं। मैं आज भी तुमसे मोहब्बत करता हूं, लेकिन अब मुझे आगे बढ़ना है। तुम्हारा साथ और तुम्हारी याद हमेशा मेरे साथ रहेगी, लेकिन अब मुझे जिंदगी के जमूत को तोड़ना है। इस सब के लिए मुझे माफ कर देना है, नहीं जैसे हमेशा कर लिया करती थी। मेरी शादी नहीं हो सकती इससे? तुम्हारी शादी? हाँ ना, देखो लड़कियों ने शरीफ चाहिए, वो तालबे की कोई डिमांड नहीं है, ना वो खानदान देख रहे हैं, ना पैसा, तो ना उन्हें तुम्हारे काम से कोई मसला होगा और ना हमारी गुर्बत से। और फिर शरीफ तो मैं अच्छी खासी हूं, बात तो करके देखो। कुछ शरीफ घरानों की अच्छी सुलझी हुई लड़कियों की तस्वीर है। मेरा ख्याल है कि इसमें से आपके भाई को कोई लड़की जरूर पसंद आएगी। अरे वाह शनाज, आपने तो मेरा काम दो दिनों में कर दिया। थैंक यू सो मच। मुझे और शहजाद को
ये लड़की बहुत पसंद आई है, आप बात करें ना इसके घर वालों से रिश्ते की। ये देखिए आप, अच्छी है ना? कौन? ये अलीना हसीब? हाँ, अलीना हसीब। बात सुनो, यहाँ क्या हो रहा है? अलीना बेटी की मेहंदी है। मेहंदी है? जी। अरे शनाज, आपने बताया नहीं, ये सब क्या है? अलीना बेटी की शादी हो रही है क्या? क्या बताती मैं तुम्हें, तुम तो जब से गई पलट कर ही ना आई, ना कोई रिश्ता दिखाया। ये तो अल्लाह की मेहरबानी हुई कि एक जानने वाले थे उनके तवस्सुत से ये रिश्ता मिल गया। बड़े अच्छे घर में जा रही है मेरी बेटी। अब आई हो तो खाना खाकर जाना और साथ ले भी जाना। नहीं नहीं, बहुत शुक्रिया आपका, मुझे बहुत जरूरी काम है, मुझे जाना है। चलो तुम्हारी मर्जी, मेहमान आए हुए, मैं जरा उनको देखूं। जी हा? पता है, शहजाद की बहन ने मुझे फोन किया कि उसके पास किसी लड़की ने अलीना बनकर फोन किया है। ये जानने के लिए मैं वहां गई थी। देखो ना, अलीना की तो शादी हो रही है, वो भला क्यों फोन करने लगी? हाँ, कितना ही मसला था, मुझसे पूछ लिया होता फिजूल में आप इतनी ख्वार हो रही हैं, मैं बता देती। क्या तुम कैसे बताते? मैंने की थी कॉल। बीबी जी, आपसे मिलने मुश्तान साहब आए। मुश्तान साहब आए, कहाँ हैं? मैंने उन्हें ड्राइंग रूम में बिठा दिया। हमारी जिंदगी में खुशियां आने लगती हैं, आप उन खुशियों को आग लगाने क्यों आ जाते हैं? क्यों नहीं हमारी जिंदगी चैन से जीने देते, उठा के आ जाते हैं जैसे कभी हमारे अपने हो। क्या हो गया ऐसा बोलो, घर मेहमानों से भरा पड़ा हुआ है, ऊपर अलीना अपने बेडरूम में क्या सोचेगी? से पूछेगी ये क्या करने आए हैं यहाँ? हक है मेरा इस घर पर, बेटे हो तुम मेरे। ये औरत माने या न माने, तुम्हें क्या लगा था मेरे बेटी की शादी मुझे बताया बगैर तू कर लूंगी और मुझे पता नहीं चलेगा? बुलाना तो दूर की बात, बताना भी जरूरी समझा। किस बेटे की बात कर रहे? बेटा किसका बेटा? मैं सिर्फ अपनी मां का बेटा हूं, मेरा कोई बाप नहीं है। तुम मेरा वजूद तस्लीम करो ना करो, कुछ नहीं होगा, बाप तो मैं ही रहूंगा तुम्हारा। मुश्तान, क्या मैंने इसकी जिम्मेदारी लेने से इनकार किया था? क्या मैंने इसके अखराजात देने से इनकार किया था? मगर तुमने
हमारे इख्तलाफात का बदला अली से लिया है, उससे दूर रखकर इसके दिल में मेरे लिए नफरत भर गई। आप यहां से बाहर निकलते हैं या मैं आपको धक्के मार के बाहर निकाल दूं। Get out। एक बात याद रखना मेरी बेटा, इस औरत ने तुम्हें जो कुछ भी दिया है ना, एक दिन तुम पछताओगे। अलीना तुम्हारा इंतजार कर रही होगी। इस घर में आज उसका पहला दिन है और इतना बड़ा हंगामा, क्या सोचेगी वो? जाओ, तुम जाओ। जाना उसके पास प्लीज, आप परेशान मत हो मेरे बेटे, मैं ठीक हूँ, तुम जाओ। अम्मा को कॉल करके बताऊं, लेकिन वो वजह परेशान हो जाएंगी। सब कुछ हो क्या रहा लड़कियां बिल्कुल भी नहीं पसंद जो स्कूल में इतना टाइम जाया करें फोन पर अपने। फेसबुक तो होगा तुम्हारा जी? इसे डिलीट कर दो और व्हाट्सएप को भी अनइंस्टॉल कर दो। बिल्कुल भी नहीं पसंद कि एक हाउसवाइफ अपना सारा घर का काम छोड़कर मोबाइल पे लगी रहे और उसकी वजह से उसका घर सफर करे। ये मेरी ही ख्वाहिश थी कि मैं पहले एक बार लड़के से बात करके उसे जान लूं। क्या है ना शहजाद, मेरे इतने रिश्ते आ चुके हैं कि मैं खुद अब थक गई हूँ। अब तो अम्मी को इनकार भी नहीं होता, इसीलिए मैंने इस बार फैसला किया था कि मैं एक बार लड़के से बात करके उसे जान लूंगी। मुझे कुछ बुरा नहीं लगा जो आप इस तरह एक्सप्लेन कर रही हैं। यह आपकी जिंदगी का बड़ा फैसला है और आपका पूरा राइट बनता है कि आप इस फैसले को सोच समझ के करें, लेकिन आपको नहीं लगता कि फोन पर बात करके भी एक दूसरे को इंसान वैसे नहीं जान सकता जैसे वो जानना चाहता है? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। अली बेटा, तुम्हारे लिए खाना लगवाऊं? आप क्यों तकलीफ करनी, अलीना से लगवाए ना। तुम्हारी उससे बात नहीं हुई? क्या मतलब अलीना से बात नहीं? मैंने उससे कहा था कि तुम्हें कॉल कर ले। मेरे मोबाइल की बैटरी डेड हो गई थी, मेरी नहीं हुई उससे बात। क्या कह रही थी, कहाँ है वो? वो तो अपनी माँ के साथ घर चली गई। क्या हरकत है? क्या आपने उसे जाने दिया? मैं कैसे मना कर सकती थी उसे, और क्या सोच के मना करती? वो उसकी माँ थी, अपने साथ ले जाना चाहती थी, ले गई। आप उसकी सास हैं, मेरी माँ हैं आप, आपको पूरा हक है उसे मना करने का। इसमें इतना नाराज होने की क्या बात है, तुम उसे फोन करके पूछ लो वो कब आना चाहती है। अम्मी मैं उसकी माँ का नौकर हूँ, उसे कॉल करनी होगी ना तो वो खुद करेगी।
कहाँ थे आप? मैं कितनी देर से कॉल कर रही थी आपको, एक कॉल नहीं उठाया। आप नाराज है मुझसे क्या? किसकी इजाजत से वहां गई? क्या एक बीवी का फर्ज नहीं बनता कि वो अपने एक हस्बैंड से पूछ के घर से बाहर निकले? क्यों नहीं पूछा तुमने मुझसे? अंडी आप क्या कह रहे हैं? आप अंडी से पूछे पर उनकी इजाजत के बगैर नहीं निकली? मैंने कितनी कॉल्स भी की आपको, आपने मेरी एक कॉल नहीं उठाई है। अब जब कही हो तो वहीं रहो, वापस आने की कोई जरूरत नहीं। इस घर को होटल समझा कि जब दिल चाह तुम जाओगी और जब दिल चाह वापस आओगी। अली वो मेरा घर है, उसी तरह जैसे आपका ये घर है। और मैं यहाँ भाग कर नहीं आई हूँ, आप अपनी मर्जी अपनी खुशी से मुझसे निकाह करके मुझे यहाँ लेकर आए। मुझे समझ नहीं आती कि मैं यहाँ खुल के सांस भी ले सकती हूँ। तो मैं औरतें सख्त बुरी लगती है जो अपने हस्बैंड के आगे बोलती है। हेलो। हाँ हेलो, आप ही तो मैं कॉल कर रही थी, तुमने अटेंड क्यों नहीं किया? आप ही मुझे कॉल कर रही थी? आई एम सो सॉरी शहजाद, मुझे तो पता ही नहीं है। हाय अल्लाह, मेरे सिग्नल्स के इतने प्रॉब्लम्स चल रहे हैं ना, मैंने नेटवर्क वालों को कॉल करके कंप्लेन भी की थी। बस एक काम करती हूँ, मैं आप ही को कॉल बैक कर लेती हूँ। अच्छा, असल में आप ही हमारे बारे में तुम्हारी अम्मी से बात करना चाहती हूँ। The most beautiful girl in the world. क्या हुआ? अभी भी नाराज हो मुझसे? से ज्यादा हैरान हूं मैं, और उससे भी ज्यादा बेयकीन कि आपने मुझ पे हाथ उठाया। चलो आप छोड़ो उस बात को, अच्छा सा डिनर करते हैं चल के, और उसके बाद तुम्हारी पसंद की शॉपिंग करते हैं। जल्दी से तैयार हो जाओ। लेकिन अली प्लीज जाओ ना उस बात, मैं वेट कर रहा हूं। क्या कभी मैं इस बंदे के बदलते हुए मिजाज को समझ भी पाऊंगी? मैं दुआ करती हूँ आप हमेशा मेरे साथ ऐसे ही रहें। तुम्हारे साथ ऐसे ही तो होता हूँ बुद्धू। अच्छा सुनो, मैं ये कुर्ता एक्सचेंज कराना भूल गया था, तुम पार्किंग तक जाओ, मैं आ रहा हूँ। ठीक है? अलीना जी, इट्स मी शहजाद। ओके, पहचाना नहीं तुमने? नहीं, मैंने आपको सच में नहीं पहचाना। क्या हम पहले मिले? कम ऑन यार, मजाक कर रही हो? मैं शहजाद। हाँ वो तो आप अपना नाम बता रहे, आप मेरा नाम कैसे जानते हैं? सीसी पता नहीं अली, इस शख्स को मैं जानती तक नहीं हूँ, बार बार मेरा नाम लेके जताना चाह रहा जैसे मुझे बहुत अच्छी तरह से जानता है ये। He must be your brother. इनको बताओ कि मैं शहजाद हूँ और हमारा रिश्ता होने जा रहा है। पागल हो गए तुम? जानती तक नहीं है तुम्हें, कैसी बातें कर रहे हो तुम? ये होश में तो पागलखाने से भाग के आए, क्या मसला तुम्हारा? Listen to me, ये आपकी बहन है। अब तुमने बहन बहन लगा रखा है। She's my wife.
वाकिफ। अलीना क्या ये क्या कह रहा है? तुम्हारी शादी हो गई कब? क्या मतलब जी तुम्हें अब बताओ कि शादी करेगी? 6 महीने हो गए हमारी शादी को, अब तुम्हें इससे क्या मतलब? तुम हो कौन? अलीना बताओ इनको। बस इनफ। सर आप पूछें इससे, ये आपको बताएगी कि मैं कौन हूं। अलीना बताओ इनको कि दिन रात हमारी फोन पर बात होती है। क्या हो गया तुम्हें? किस तरह की बातें कर रहे हो? पहली बार तुमसे मिल रही हूँ आज मैं। पागल हो गए क्या तुम? ये शख्स क्या हो गया तुम्हें? मैं पागल हो गया हूँ या तुम मुझे पागल बना रही हो? अलीना प्लीज डोंट डू दिस। बस बस करो, बहुत हो गया। ये ड्रामे बंद करो, यहां से निकलो। स्लीव ओके। अलीना हसीब यही नाम है ना? तुम्हारी बहन का नाम रमश है। फिजिक्स में मास्टर्स किया है। हाउ डू आई नो ऑल दिस? और क्या तुम्हारे वालिद का इंतकाल नहीं हुआ? बताओ मुझे कौन है तुम? हाँ ये सब कुछ तुम आखिर चाहते क्या? ये सब कुछ तुमने मुझे खुद फोन पर बताया है। पागल हो गई। मैंने इसे कभी बात नहीं की, मैं इसको जानती तक नहीं इस शख्स को। मैं तुमसे बात कैसे कर सकती हूँ? अच्छा ठीक है, नहीं जानती ना, नहीं जानती मुझे। What about these messages? ये तुम्हारे मैसेजेस नहीं है? अल्लाह की कसम ये मेरे नाम। ये किसका नाम है? नाम मेरा है लेकिन मैंने मैसेजेस नहीं किया इसको। इस शख्स में जानती करती हूँ मुझे। अली अली मेरी बात सुनो। खोलो। अरे कौन है? रुक जा अम्मा। अलीना की आवाज लग रही है। अलीना क्या हुआ है बताओ तुमसे। मुझे नहीं पता वो कौन था। अम्मा मुझे सच कह रही, मुझे नहीं पता वो कौन था, लेकिन मेरी जिंदगी बर्बाद हो गई। पानी पियो,
मैं देख लूंगी सबको। बस 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 आप जी मुझे ना आपसे बात करनी थी बेटा। आपने मुझे धोखा दिया है। नहीं नहीं मैंने आपको धोखा नहीं दिया शहजाद साहब। अलीना की पहले से शादी हो चुकी है, ये बात आपने मुझसे छुपाई क्यों? आपको ये कैसे पता लगा? खुद बताया अलीना ने, मॉल में मिली थी मुझे, उसका शौहर भी उसके साथ था। अरे वो तो मुझे पहचानती तक नहीं, पता नहीं कौन थी वो जो अलीना बनकर मुझसे बात कर रही थी, मुझे बेवकूफ बना रही थी, मुझे पागल बना रही थी। शहजाद बेटा मैं तुम्हें सब कुछ सच सच बताती हूँ, लेकिन मेरा यकीन करें कि मैंने ये सब बहुत मजबूरी में किया। झूठ और धोखा किसी मजबूरी में देने पे भी हकीकत हकीकत ही रहती है। आप मेरी बात तो सुने, आप मुझे सच बताएं, जो लड़की मुझसे बात कर रही थी वो कौन थी? वो देखिए मुझे सच बताइएगा, मुझे सच सुनना है। वो मेरी बेटी है ना। हेलो कौन? क्या हीरा ने नींद की गोलियां खा ली? आ मेरा बच्चा आजा, आ संभल के, अल्लाह बिस्मिल्लाह, आ थोड़ी हिम्मत थोड़ी हिम्मत थोड़ी हिम्मत। चाहे दीद तेरी नैनों की आदत बुरी। मैं जानती हूँ बहुत बड़ी गलत फहमी पैदा हो गई है, लेकिन जब तक हम लोग बात नहीं करेंगे इसे कैसे दूर कर सकेंगे? गलत फहमी की तो बात ही नहीं। एक बंदा भरे मॉल में आता है, आपकी बेटी का सारा बायोडाटा मुझे बता देता है, उसका नाम लेता है, सब कुछ उसके बारे में जानता है, और आप कह रही हैं कि ये गलत फहमी? लेकिन बेटा अलीना उसे नहीं जानती। ये तो ये कह रही है ना। लेकिन बेटा हमें इसकी बात पर यकीन कर लेना चाहिए। मैं इससे ज्यादा उन हालात का यकीन कर रहा हूँ जो मेरे सामने हैं। आप मान क्यों नहीं लेते कि आपकी बेटी का गुनाह सामने आ गया? देखिए कुत्सिया, अगर अलीना अपनी गलती मान लेती है तो बात आगे बढ़ाई जा सकती है, वरना आगे बात करना तो बेकार है। ठीक है, और अगर ये मान ले तो? ऐसे नहीं आंटी, पहले ये एक ब्लैंक पेपर पे अपना इतराफ़ जुर्म लिख के देखी कि इसके शोहर ने इसको रंगे हाथों पकड़ा अपने आशिक के साथ। पहले से काफी बेहतर लग रही है। आप मिलने आ गए हैं ना, आप बहुत जल्द ठीक भी हो जाओगे। आप ही का फोन आया था, तुम्हारी तबीयत का पूछ रही थी। मेरी तबीयत का या रीना की? एक ही बात है। एक ही बात नहीं है शहजाद, अलीना वो है जिसे आपने और आपकी आपी ने पसंद किया है, और मैं तो जबरदस्ती आपकी जिंदगी में आई हूं।
देखो इना, अलीना को मैंने पसंद किया उसकी सूरत देखकर, लेकिन बात तुमसे हो। तुमने मेरी फीलिंग्स को समझा, इसलिए मोहब्बत तुमसे हो। क्या मतलब अलीना नहीं? तुम तो कह रहे थे कि तुम अलीना के अलावा किसी और से शादी नहीं करना चाहते। हाँ ऐसा ही था, पर अब नहीं। क्या कह रहे हो तुम शहजाद? What are you saying? अभी जिस लड़की से मेरी दोस्ती है वो अलीना नहीं है। तुम तो कह रहे थे कि तुम अलीना से बातें करते हो, वो सब क्या था? वो मैं आपसे गलत कहता था। कौन है वो लड़की? खुश जी। उसका नाम हिना है, रिश्ते करवाने वाली शनाज आंटी की बेटी है। मैं एक रिश्ता करवाने वाली की बेटी से तुम्हारी शादी हरगिज नहीं करवाऊंगी। इट्स अ बिग नो। सुन लिया तुमने? अरे तुम्हें कितनी चालाकी के साथ उसने बेवकूफ बनाया। ओके फाइन, अगर आप इस जगह मेरी शादी नहीं करवाएंगे तो फिर भूल जाए मेरी शादी को भी। आप बैठे तो सही। अब फिर कभी सही। एक्चुअली मुझे अपनी फ्रेंड के घर जाना है, मैंने सोचा रास्ते से अलीना को पिक करते हुए चलते हैं। अली, आप इस तरह कब तक खफा रहेंगे मुझसे? मैं आपसे कह रही हूँ, ऐसे कर रही हो जैसे तुमने खाने में नमक ज्यादा डाल दिया और मैं खफा हो गया, और अब थोड़ी देर में मैं ठीक हो जाऊंगा। मैंने जो गुनाह किया शायद मैं कभी भी नहीं भूल पाऊंगा, कभी भी नहीं। तो अब आप उसकी सजा देंगे मुझे? तुम जैसी औरत को तो बहादुरी का कोई बहुत बड़ा तमगा देना चाहिए। कितने आराम से, कितनी आसानी से तुमने धूल झोंकती रही मेरी आंखों में, मुझे पता भी नहीं चलने दी और ये सब करती थी। आप मुझ पर इल्जाम लगा रहे हैं अली। इल्जाम लगा रहा हूं? इल्जाम लगा रहा हूं? किस मुंह से बात कर रही हो तुम ये? तुम्हारे मुंह से तो ये बात मजायका खेज लगती है। अली मैंने ऐसा भी कुछ नहीं किया जो अभी तलखी से मेरा नाम पुकारे, मेरी तजलील करे। ये क्या है? क्या है ये? इसमें तुमने अपनी बद किरदारी का इतराफ नहीं किया? बहुत खूबसूरत लग रही हो। आप भी कमाल लग रहे हैं। आप लोग जब जाते हैं तो घर का गेट बाहर से लॉक क्यों होता है? क्यों? तुमने कहाँ जाना था? मुझे कहीं जाना नहीं होता, लेकिन लेकिन क्या है? तुम्हें इससे कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए कि घर का गेट लॉक है या खुला। अली कोई जरूरत हो सकती है मुझे, कोई प्रॉब्लम हो सकती है, कोई इमरजेंसी हो सकती है। घर बैठी औरत को किस चीज की जरूरत हो सकती है? और अगर कभी कोई इमरजेंसी हो ही जाए तो तुम मुझे पीटीसी पे कॉल कर सकती हो, मैं मर नहीं चाहता।
वैसे भी जो तुमने किया उसके बाद मैं तुम्हें आजादी देने के बिल्कुल भी हक में नहीं हूं। सही कह रहे हैं आप, ना ही मुझे कोई जरूरत हो सकती है और ना ही कोई इमरजेंसी। मैं शायद इसी काबिल हूं। नहीं, तुम इस काबिल भी नहीं। इस घर को समझने में, हमारे रिवाज को समझने में, हमारी फैमिली को समझने में थोड़ा तो वक्त लगेगा ना। मैं तुम्हें इसीलिए समझा रही हूँ, इसीलिए सारी बातें कर रही हूँ। बस आप ही ये ना, आपने बहुत गलत बात कर दी है। क्या एहसास दिलाना चाह रही हैं आप मुझे कि मैं एक रिश्ते वाले की बेटी हूँ? जिना नहीं, आपको ना शायद कोई गलत फहमी है। हम हमेशा से ऐसे नहीं थे। बुरा वक्त आता है हर किसी पे, अगर हम पे भी आ गया तो क्या हो गया? श्रीधा, लिसन टू मी। मेरा ये कहने का मतलब नहीं था। तुम टेक इट इजी, रिलैक्स। क्या हो गया तुम्हें? आपने जो नहीं भी कहा ना वो भी मैं समझ गई। अब आप मुझे और मजीद कुछ मत समझा। नहीं नहीं, एक मिनट, है ना, तुम बात को बिल्कुल ही गलत डायरेक्शन में ले जा रही हो। मैंने ऐसा कुछ नहीं कहा और ना ही मेरा ऐसा कहने का इरादा था। अरे ये घर तुम्हारा है, तुम इस घर की मालकिन हो, तुम इस घर के केयर टेकर हो। नौकरों के सर पे खड़े हो जाके उनसे काम करवाओ, ना कि घर से बाहर इस तरह घूमती फिरो। देखो, औरत जितनी भी हाई फाई क्यों ना हो जाए, लेकिन घर का काम भी तो उसको करना होता है ना, घर भी तो उसको संभालना होता है। डू यू अंडरस्टैंड? शायद आप अंडरस्टैंड नहीं कर रहे। मैं बहुत अच्छे से जानती हूँ कि ये घर मेरा है और शहजाद मेरा शौहर है, इसलिए आप फिक्र नहीं करें। आप ही, मैं आ गई हूँ, सबको संभालूँ। आप लोग क्यों अचानक इस वक्त? आने से पहले इतला तो दे देते। वो दरअसल रमशा के रिश्ते की बात पक्की हो गई थी तो सोचा इस खुशी में मिठाई दे हूँ। रमशा का रिश्ता पक्का? कब? आप लोगों ने मुझे बताया क्यों नहीं? अम्मी से ये सवाल पूछने से पहले तुम एक सवाल का जवाब दो अली। तुम्हें अगर कुछ बताना हो तो कहाँ बताया जाए? तुम्हारे फोन पर जो तुम्हारे पास है नहीं, या लैंडलाइन पर जो बंद पड़ा हुआ है, या तुम्हारे घर आकर जहां पर तुम्हें लॉक रखा हुआ है? खैर, तुम्हारी अम्मी ने रमशा की बात तो पक्की कर दी, लेकिन मुझसे मशवरा तो दूर की बात, बताना तक जरूरी नहीं समझा। मैं उस घर का एक लौता दमा, मुझे बताने से उनकी नाक नीचे होती थी। अली आप सही कह रहे हैं, लेकिन कुछ इतना जल्दबाजी भी हुआ कि अम्मा ने मुझे तक नहीं बताया। कल ही बात पक्की हुई और आज वो मिठाई लेकर आ गई। इतनी भी क्या जल्दी थी कि बगैर मशवरा किए एक ही दिन में सब कुछ तय कर दिया? तुम्हारी बहन तुम्हारी तरह गुल तो नहीं खिला रही थी? प्लीज मेरी बहन के लिए कुछ ना कहें आप। क्या कहा जा सकता, तुम्हारी बहन है, आखिर तुमसे पीछे तो नहीं रह सकती। वैसे भी उसकी तो जबान 10 गज लंबी है। अली आपको जो कहना है ना आप मुझे कहें, आपको जितनी इंसल्ट करनी मेरी करें, लेकिन अपनी बहन के खिलाफ मैं एक लफ्ज बर्दाश्त नहीं करूंगी। जबान चलाती हो मेरी आंखें, समझते क्या हो तुम अपने आप को? हाँ, तुम्हें तकलीफ नहीं है? मेरे आगे जबान चलाई ना, तकलीफ हो रही है। ये जबान तुम्हारी काट के फेंकूंगा। Okay, I'll be there in 30 minutes. Yeah, see you. साहब जी नाश्ता लग गया है, आप नाश्ता नहीं करेंगे? अकेला नाश्ता करके क्या करूंगा, ऑफिस में ही कर लूंगा। बेगम साहब उठें तो कह देना मुझसे बात कर लें। जी। Hello.
हेलो। हाँ, हिना उठ गई क्या? जी वो तो नाश्ता करके ही ड्राइवर के साथ किसी दोस्त की तरफ चली गई है। कह रही थी कि अब कहीं शाम में ही आऊंगी। तो तुमने उससे कहा नहीं था कि मुझे कॉल कर ले? जी मैंने उन्हें पैगाम दे दिया था आपका, वो कह रही थी कि मैं फ्री होते ही आपको फोन कर लूंगी। बोलो। साफ साफ बता दे सब कुछ कब तक चलेगा? क्या हो गया तुम्हें? बैठे बैठे क्या हुआ है? दिमाग ठीक है तुम्हारा? पागल तो नहीं होगी कहीं? हाँ मैं पागल हो गई हूँ, मैं पागल हो गई हूँ आपके इस कैद खाने से, मैं पागल हो गई हूँ आपकी शको शुबात से, मैं पागल हो गई हूँ आपकी हर एक चीज से। हाँ तो जब तक मुझे तुम्हारी वफा पे एतबार नहीं आएगा तो ऐसे ही चलेगा। ऐसा कभी नहीं होने वाला। मैं जन्नत से भी वापस आ जाऊंगी ना तब भी आप मुझ पर शक करेंगे, क्योंकि आपकी शक करने की आदत है। वास बंद करो अपनी। मैं आप जैसी ज़हनियत वाले इंसान के साथ अब और नहीं रह सकती। मैं जा रही हूँ यहाँ से। मेरी बात सुनो, क्रास तुम इस घर को छोड़ के गई ना तो वापस कभी नहीं आओगी। सड़ती रहना सारी जिंदगी अपनी माँ के घर। इस बार वापस आने के लिए नहीं जाऊंगी, आप जैसे ज़हनी मरीज के साथ मैं और नहीं रह सकती। क्या तुमने मुझे ज़हनी मरीज? हाँ, आप भी ज़हनी मरीज हो। आपको ना ज़हनी इलाज की ज़रूरत है, आपको भी और आपकी माँ को भी। हेलो ब्रदर। ओह देयर यू आर। क्या हाल है तुम्हारे? सो गुड टू सी यू। सेम हियर ब्रो। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। प्लीज बैठे ना। और बताओ अमेरिका से यहाँ आने का फैसला कैसे कर लिया? यार बस वहाँ रह रहकर बोर हो गया था, सोचा पाकिस्तान आकर रहूंगा। वैसे पापा तो बिल्कुल इंटरेस्टेड नहीं थे इस फैसले से, पर तुझे पता है मैं अब किसी की सुनता रहा हूँ। बिल्कुल। शादी का क्या कर ली या फिर ऐसे ही घूम फिर रहा है? फिलहाल तो ऐसे ही घूम रहा हूँ, पर इरादा है अब। वैसे तुझे दाद देनी पड़ेगी, देर से शादी की पर क्या कमाल शादी की। मतलब यू गाइस मेक अ वेरी गुड कपल। हाँ थैंक्स यार, लेकिन अब शादी के लिए तू भी रेडी हो जा। अरे मैं बिल्कुल रेडी हूँ, कोई अच्छी लड़की तो मिले। हाँ तो इसमें क्या, तुम्हारा ये काम तुम्हारी भाभी कर देंगी। क्यों भाई? हाँ भाभी, मेरा ये काम तो अब आपको ही करना पड़ेगा। बस अपने जैसी एक अच्छी सी लड़की मेरे लिए भी ढूंढ दे प्लीज। लेकिन मैं कैसे कर सकती हूँ, मुझे तो पता ही नहीं आपको कैसी लड़कियां पसंद है। अब भाभी मेरी इतनी कोई डिमांड्स नहीं है, बस एक सुलझी हुई घरेलू अच्छी सी लड़की, दैट इज अबाउट इट। एक बुरा एक्सपीरियंस लाइफ में काफी है जिंदगी के सबक देने के लिए। शुक्र कि तुझे अकल आ गई। हाँ यार अब भी ना। खैर डिनर कर लें, बातें तो होती रहेंगी बाद से। हाँ श्योर। शाजिया, शाजिया। जी साहब जी। खाना लगा दो। जी। हाँ भाभी, मेरा ये काम तो अब आपको ही करना पड़ेगा। बस अपने जैसी एक अच्छी सी लड़की मेरे लिए भी ढूंढ दे प्लीज। अब भाभी मेरी इतनी कोई डिमांड्स नहीं है, बस एक सुलझी हुई घरेलू अच्छी सी लड़की, दैट इज अबाउट इट। तुझे दाद देनी पड़ेगी, देर से शादी की पर क्या कमाल शादी की। ये क्या? नोटिस। इस बात की याद दहानी कि तुम्हें कोर्ट में हाजिर होना है। दंदनाते मेरे घर में नहीं आ सकते, रुक जाओ तुम। मेरी माँ से तमीज से बात करना तो सीख लें। आइंदा इस तरह की गलती की ना तो अच्छा नहीं होगा। खुला का नोटिस वापस ले लो तो तुम्हारे सारे पोल खोल दूंगा, कहीं मुंह दिखाने के लायक नहीं रहो। तुम अलीना के घर गए थे? जी।
वो भी इतने गुस्से में। ये आप किसने कहा? तुम्हारे बाप ने। क्या कह रही हो? मैं तो इस बात पे हैरान हूँ कि उन लोगों का तुम्हारे बाप से रिश्ता है। अब तो तुम्हें अलीना को तलाक देनी ही होगी। तुम्हें तो खुश होना चाहिए कि तुम्हारी जान छूट गई उस शख्स से और तुम रो रहे हो। शुक्र अदा करो कि आजादी के कागजात उसने खुद घर भिजवा दिए, वरना अदालतों के चक्रों में ख्वार होना पड़ता। बस करो ना बेटा, बस कर दो। क्यों रो रो कर हलकान हो रही हो? होना तो हो गया बस। तलाक हुई भी है? हाँ। अच्छा, मगर क्यों? बस वजह क्या होनी है, हमें तो पता ही नहीं था कि वो लड़का नफ्सियाती है। और लड़का तो लड़का, उसकी माँ तो उससे बढ़कर जालिम थी। मैं कुछ समझी नहीं आंटी, नफ्सियाती क्या मतलब? वही लड़ाई झगड़ा, मारपीट, शको शुबात। मेरी बच्ची तो बड़े सब्र के साथ उसका हर जुल्म बर्दाश्त करती रही, सहती रही। जब बात हद से ज्यादा बढ़ गई तो हमने खुला ले ली। बड़ी मुश्किल जिंदगी गुजारी है उसने। I can understand. चले आंटी, इन बातों को छोड़ें, आगे की बात करते हैं ना। अच्छा बेटा, कुछ खाओ तो सही। आगे अलीना, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? हाँ, अलीना, ये क्या हो रहा है? ये मेरी जिंदगी बर्बाद करके सुकून नहीं मिला, जो आज मेरे घर चले आए हो मेरी वजह से। तुम्हारे पास मेरी कौन सी तस्वीर है बताना जरा। मेरे शौक ने मुझे एक बद किरदार, एक बदचलन औरत का और पता नहीं क्या क्या। ये वाली तस्वीर, ये तो मैंने शहनाज को दी थी। जी आंटी, इसी तस्वीर की वजह से उस रोज धोखा खा गया। और अलीना को उसके शौहर के साथ देखकर खुद पर काबू न रख सका। आ जाने क्या कुछ बोल गया मैं। दोबारा एक दफा की बेइज्जती हजम नहीं हुई जो फिर से करवाने आ गए हो? मैं अपनी सफाई में कुछ कहना चाहता हूं, आपकी गलतफहमी दूर करना चाहता हूं। तुम्हारी अब इन बातों से किसी को कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, गलतफहमी रहे या ना रहे। प्लीज मेरी बात तो सुने। ये तस्वीर हमने शहनाज खाला को नहीं दी थी, वो जो रिश्ते कराती हैं। जी मैं उन्हीं की बात कर रहा हूं, हिना उन्हीं की बेटी है। वैसे बड़ी हैरत की बात है, आपने ऐसी लड़की से शादी कैसे कर ली जिसने आपको धोखा दिया? शायद मैं आप लोगों को समझा ना सकूं कि मैंने हिना से शादी क्यों की। मैं उस वक्त किसी और स्टेट ऑफ माइंड में था। हमें कोई दिलचस्पी नहीं इस बात को जानने में कि आपने किससे और क्यों शादी की। अलीना प्लीज, मेरी नदामत का अजाला कर दीजिए। मेरा दोस्त बहुत अच्छा है,
उसके प्रपोजल को मेरी वजह से मना मत कीजिए। मैं आपको आखिरी बार कह रही हूं, ना ही मुझे आपके इस प्रपोजल में कोई दिलचस्पी है और ना ही उस दोस्त में। मैंने अम्मा आपको पहले भी कहा था। ऐसा ना, प्लीज शहजाद को हमारी इस मुलाकात के बारे में कुछ मत बताइएगा। मैं समझा नहीं आप कहना क्या चाहती हैं। दरअसल मैं आपके पास आपकी दोस्त की शिकायत लेके आई हूं। आपकी होने वाली मंगेतर अलीना और मेरे शौहर शहजाद का चक्कर चल रहा था। क्या? जी। और जब अलीना के पहले शौहर को इस बारे में पता चला तो उसने अलीना को तलाक दे दी। मैंने इस बात को अपने दिल में दफन कर लिया ताकि मेरा घर बसा रहे, लेकिन ऐसे इस बार शहजाद जो करने जा रहे हैं मैं वो बर्दाश्त नहीं कर सकती। देखिए भाभी, आप प्लीज मुझे बताएं कि शहजाद ऐसा आखिर क्या करने वाले हैं। तो कहते हैं शर्म आ रही है। शहजाद अलीना से आपकी शादी सिर्फ इसलिए कराना चाहते हैं ताकि अलीना उनकी नजरों के सामने रहे। क्या बात, उखड़े उखड़े से लग रहे हो। नहीं यार, बस ऐसी कोई बात नहीं है, बस ऐसी है। ऐसे तो मेरे अच्छे दोस्त और मैं तुम्हें बहुत अच्छे से जानता हूँ। बताओ क्या बात। ऐसा तो मुझे लगता था तुम्हारे बारे में कि तुम मेरे अच्छे दोस्त हो और मैं तुम्हें बहुत अच्छी तरह से जानता हूँ। इनफैक्ट मुझे तो गलत फहमी भी थी कि तुम मुझे कभी धोखा देने के बारे में सोच भी नहीं सकते। हाँ तो ऐसा ही है, मैं कभी नहीं सोच सकता। अच्छा तो फिर मुझे बताओ कि तुम अलीना में इन्वॉल्व नहीं। क्या तुम मेरी शादी इसलिए नहीं करवाना चाहते ताकि तुम्हारा अलीना से भी कॉन्टैक्ट रहे हो? और शट अप ऐसा, क्या कह रहे हो? तुमने बहुत घटिया बात की है। और तुमने उससे ज्यादा घटिया। तुम्हें सब कुछ किसी ने गलत बताया है, बिल्कुल झूठ। यही सच है शहजाद, तुम चाहे जितना मर्जी झूठ बोलो पर सच सामने आ ही जाता है और अब सामने आ गया। मैं तुम्हारी गलतफहमी दूर करना चाहता हूँ, मेरी बात सुनो। अब उसकी कोई जरूरत नहीं है शहजाद। ऐसा ऐसा मेरी कहाँ गई थी तुम? अम्मा के यहाँ थी। उससे पहले है ना, तुम्हें एक पल के लिए भी ख्याल नहीं आया कि तुम मेरे दोस्त से क्या कहने जा रही हो, वो भी अपने शौहर के बारे है ना? डू यू हैव एनी आइडिया? तुमने एक पाकीजा लड़की के किरदार पर कीचड़ उछाला है। माफी तो तुम्हें मांगनी ही पड़ेगी। तुमने मेरी बचपन की दोस्ती को खराब किया है। एहसन के सामने मेरी सफाई देनी हो। कुछ भी क्यों ना कह लें या कर लें, मैं माफी नहीं मांगूंगी। जो करना है ना कर लें। अम्मा को कॉल करूं मैं तो? अगर तुम मेरे साथ चलकर उनसे माफी नहीं मांगोगी तो इस छत के नीचे मेरे साथ नहीं रह सकती।
That's it. I am sorry, Alina. मुझसे जो कुछ भी हुआ अनजाने में हुआ, और आप मुझसे कसम ले लें, मुझे बिल्कुल भी नहीं पता था कि आपके साथ इतना सब कुछ हो गया है। और मुझे तो अब भी नहीं पता था कि, बस मुझे माफ कर दें। माफ कर दें खुद से आपा, आप देखिएगा इंशाल्लाह अल्लाह अलीना बेटी की जिंदगी में किस तरह खुशियां भरेगा। भी आपको माजरत के लिए। हिना को साथ नहीं रहना चाहिए था। बेटा मैं कहां इस बेवकूफ को लेकर आई हूं? इसके मियां ने कहा था कि चलो चलकर माफी मांगो, जब तक माफी नहीं मांगोगी इसको चैन नहीं आएगा। मैंने तो सबको माफ कर दी, आपको भी। हिना जी आपको, शहजाद साहब आपको भी। आई एम सॉरी, मैंने तो बस मजाक में आपसे सब। मजाक? देखिए प्लीज, शहजाद पहले बहुत खफा है मुझसे। हाँ तो खफा होना भी चाहिए, और अगर आपने माफी मांगनी है तो आप माफी इससे मांगे, मुझसे माफी मत मांगे आप, क्योंकि आपकी वजह से एक नेक सीरत इंसान का इतना घटिया इमेज बन गया मेरे सामने। और गलती तो मेरी है कि मैंने आप पर एतबार कर लिया। ऐसा मुझे हैरत नहीं हुई, मुझे हैरत नहीं हुई कि तुमने हिना की बात पर यकीन किया। बात की नौयत ही ऐसी थी, अगर मैं तुम्हारी जगह होता तो तुम्हें यही करता। मैं गाड़ी में बैठी हूं, जब आप दोनों की बातें खत्म हो जाए तो आप आ जाइएगा। यकीन करो ऐसा, ये जो कुछ भी हुआ वो शदीद गलत फहमी से हुआ। अरसला बता रही थी कि आप अलीना से मिलना चाह रहे थे। मैं नहीं कहा था। अच्छा आप लोग बातें करें, मैं बस अभी थोड़ी देर में आई, मैं आ रही हूँ, चाय का क्या कर रही थी। एक्चुअली मैं आपसे इसलिए मिलना चाह रहा था कि कुछ गलत फहमियों का दूर हो जाना बहुत ज़रूरी था। शहजाद मेरा बहुत ही अच्छा दोस्त है, और मुझे पता चला था उस मिसअंडरस्टैंडिंग के बारे में जो आपके और उसके दरमियान हो गई थी, तो आई जस्ट वॉन्टेड यू टू नो कि हमारे दरमियान कभी भी ये टॉपिक डिस्कस नहीं किया जाएगा। अब यू कैन ट्रस्ट मी। आई होप सो। देखें अगर आप यकीन नहीं करेंगी तो अगला कदम उठाना जरा मुश्किल होगा। आपका एक्सपीरियंस बुरा हो सकता है, लेकिन ये जिंदगी इतनी बुरी नहीं है। और मैंने पिक्चर्स अक्सा को भेज दी। अक्सा ने तो यहाँ पे तूफान मचा के रखा हो, तुम्हारी तरफ तो सब ठीक है ना? हाँ अभी तक तो सब खैरियत है, अल्लाह करे खैरियत रहे। और सुनो इतनी रात को कॉल मत किया करो। एक मशवरा दूं? जल्दी बोलो। इससे पहले कि कोई बात शहजाद के कान में पड़े, तुम अपने जेवर और कुछ बैंक बैलेंस सब अलग कर लो।
सेव से एक बार फिर रकम निकली है। समझ में ये नहीं आ रहा कि किसको इल्जाम दो, इसके पीछे किसका हाथ है, किसी मुलाजिम का? लेकिन मुलाजिम तो सालों से यहां काम कर रहे हैं, तो क्या हिना ने? पर वो ऐसा क्यों कर रही है? ये पैसे पकड़ो, अपने ड्रामे बंद करो, जाओ यहां से। कितने हैं वैसे? 2 लाख। सिर्फ 2 लाख में टर खा रही है? अस्सलाम वालेकुम शहजाद, कैसे हैं आप? अभी आप ही की बात कर रहे थे हम। ये मेरी दोस्त के भाई हैं। बैठिए, चाय पीजिए। थैंक यू। बैठो बैठो। आए शहजाद, ज्वाइन करें अभी। मैंने तुम्हें कहा था ना कि मुझे ना बुलाओ, अगर उसने देख लिया तो। तुम उठो, फौरन उठो और निकलो यहां से। अरे हाँ, तुम्हें बताना भूल ही गया कि वो तुम्हारी पिक्चर्स मैंने अक्सा के फोन से डिलीट कर दी थी। मंसूर, थैंक यू सो मच। लेकिन मेरे फोन में अभी भी चाहे दीद तेरी, नैनो की आदत बुरी, चाहे दीद तेरी, नैनो की आदत बुरी, तुम थे वो अजनबी, थे सामने लापता, जितना मिलते गए होते गए तुम जुदा। इसको कौन पहनेगा? ओल्ड फैशन। मैं तुम्हारे अलावा और किसी पर भरोसा नहीं कर सकती। ये क्या है? किसका है ये हार? तो बहुत हसीन है, मुझे इसकी कीमत मालूम करवा दोगे? कीमत लगवानी है ये क्यों? अगर इसकी कीमत मुनासिब हुई ना तो मैं ये हार बेच भी दूंगी। यार मतलब क्यों, इतना प्यारा हार है क्यों बेच रहे हो? अगर पैसों की जरूरत है। रमशा, ये आपने कहाँ से लिया है? ये मेरी एक फ्रेंड है, उसने मुझसे कहा किसी कीमत लगवाना है तो मैं ले आई। बेहतर है कि आप इसको ना बेचे। क्यों? एक्चुअली इसके अंदर जो है रूबी, एमरल्ड और आपके डायमंड लगे हुए हैं, और ये कम से कम भी 25 से 30 साल पुराना है। फिर भी अगर हम इसे बेचना चाहें तो कितनी कीमत लगेगी इसकी? आप मेरी चूँकि पुरानी कस्टमर हैं तो मैं आपको 12 लाख रुपये दे सकता हूँ। अच्छा तो 12 लाख, ठीक है फिर हम ये अभी ले जाते हैं। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अपनी दोस्त से पूछ लेंगे, अगर उसे सच में बेचना हो तो हम आपके पास ले आएंगे। खूबसूरत है अम्मा? बहुत खूबसूरत है, बहुत अच्छा है। बस मेरी तो दुआ है कि अल्लाह पाक किसी पर ऐसा वक्त ना लाए कि उसे जेवर बेचना पड़ जाए। अम्मा आपसे कहना चाह रही थी कि सेट तो है भी बहुत प्यारा, तो क्यों ना हम ही रख लें इसे। अरे आप, इतला ही करती थी आने से पहले? हाँ, वो मैंने सोचा कि तुम्हें सरप्राइज दूं इसलिए बगैर बताए आ गई। सरप्राइज? ऐसे
ऐसे अचानक से आने को सरप्राइज तो नहीं कहते? तो फिर क्या कहते हैं? छापा। अब तुम्हें अगर छापा ही लग रहा है तो फिर छापा सही, क्या कर सकते हैं? अलीना वही है ना शहजाद जिसकी एहसन से मंगनी हुई है? जी वही है। उसकी बहन ससुराल जा रही है तो उन्होंने दावत का एहतमाम किया है। हाँ तो क्या है, चलेंगे दावत में। भाई मुझे तो अलीना से मिलने का बहुत शौक है। अलीना से मिलने का? उसकी बहन रमशा से नहीं? जी नहीं भाई, अलीना इज अ गुड गर्ल, सुलझी भी समझदार लड़की है। एंड आई थिंक हसन इज द लकीएस्ट गाय जिसको अलीना जैसी लड़की मिली है। बहुत खुश नसीब है वो। मेरी समझ में ये नहीं आ रहा कि ये हार अलीना तक कैसे पहुंचा। Really? तुम्हें समझ में नहीं आ रहा कि ये हार उस तक कैसे पहुंचा? मेरे ख्याल से तुम्हें अपनी बीवी से सवाल करना चाहिए, उसके पास इस सवाल का जवाब होगा। अगर अक्सा ने हार बेच दिया तो उसके पैसे का, अगर अक्सा तुमने मुझसे झूठ बोला तो मैं तुम्हें कत्ल कर दूंगा। दरवाजा खोलो, दरवाजा खोलो। मैं ढूंढ रही, अरे मैं ढूंढ तो रही हूं, शहजाद मिल जाएगा, फिक्र ना। वो हार यहां पर नहीं है ना। आपको शर्म नहीं आती? एक मामूली से हार के लिए अपनी बीवी के साथ ऐसा सलूक कर रहे हैं आप? वो मामूली नहीं था ना, मेरी मां का हार था जो वो मेरी बीवी को देना चाहती थी। तो आपकी जिम्मेदारी हुई ना, आपकी मां ने आपको हार दिया संभाल के रखने के लिए। मैं कहां से फंस गई सबके बीच में? Enough, just enough। बंद करो अपने ये ड्रामे। मैं अच्छी तरह जानता हूं कि वो हार तुमने मंसूर को दिया और मंसूर की बीवी अक्सा से अलीना ने खरीदा। हार मैंने बेच दिया। कितने का बेचा? कितने का बेचा? 6 लाख। और ये 6 लाख मैं तुम्हारे हाथ पे रख रही हूँ। तुम्हें खुदा का वास्ता, तुम आज के बाद मेरे पे हाथ नहीं उठाओगे, तुम्हें अपनी बेटी की कसम। 6 लाख? इतना महंगा हार 6 लाख में बेच दिया? सस्ता क्यों बेचा इतना? हेलो। हेलो, कैसी हो? मैं ठीक, आप कैसे? मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। अच्छा सुनो, तुमसे कुछ काम था मुझे। जी कहिए। वो हार था ना जो तुमने कल रात को पहना था, वो थोड़ी देर के लिए हिना भाभी को दे दो, उन्हें किसी फंक्शन में जाना। जी हसन भाई, कुछ हुआ? जी भाभी, आपका काम हो गया है, आप अलीना से जाकर हार ले। तुमने शहजाद का बहुत ख्याल रखना है, पर टाइम पे मेडिसिन देनी है, ठीक है? देने से मुझे याद आया, मैंने भी आप दोनों को कुछ दिया। शेखा जा रही हूं, ये देख के शायद आपकी तबीयत ठीक हो जाए। देख लें गौर से, वही हार है ना जिसके चोरी का इल्जाम लगाया गया है मुझ पर। मैं सेफ में नहीं रखा था एक्चुअली, लॉकर में रख के भूल गई थी अपनी वार्डरोब के लॉकर में। शहजाद ये तो एग्जैक्टली वही हार है ना, लेकिन आई एम रियली सरप्राइज कि इतने पुराने डिजाइन को भी लोग अब तक कॉपी कर रहे हैं।
चलो अच्छी बात है, खुशी इस बात की है कि तुम्हारे लॉकर में था और मिल गया। चले आप, ये इत्तेफाक हो जाता है और इसी दुनिया में होता है। हमारी भी गलती है कि हमने ठीक तरह इन्वेस्टिगेट नहीं किया, और इल्जाम हिना पर लगा दिया। मैं तो सिर्फ ये कह रही हूँ कि इतना कीमती हार और हमने ऐसी लापरवाही से रखा होता, सेफ में रखना चाहिए था। खुदा ना खौफ़ा अगर चोरी हो जाता तो कौन जिम्मेदार होता? हुआ तो नहीं ना, अब इसकी जिम्मेदारी आप उठाएं, आप ही रखिएगा इसको सेफ में संभाल के। I'm sorry, हिना। चलें, अब ये मामला तो हल हुआ ना, हार मिल गया और हिना के पास ही था। चलो सेफ में रख दो। अल्लाह खैर करे बस। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, आपकी अमानत। पता है आंटी, शुक्र है दिन दिन की शादी थी इसलिए फंक्शन सारे जल्दी जल्दी ख़त्म हो गए, और मुझे तो ना बहुत सा टेंशन लगी हुई थी कि किसी की अमानत है मेरे पास तो मैं फ़ौरन जाके लौटा दूँ। आप प्लीज़ चेक कर लें, ऐसा ना कुछ बाद में ना पता चले ना कुछ मिस हो गया फजूल में कुछ बात हो। सुलन तो यही फ़र्ज़ है उधार लेने वाले का कि बिल्कुल सही सलामत उधार वापस किया जाए, नहीं? एक बात कहूँ मैं आपसे अलीना? ऐसे भाई बहुत तारीफ करते हैं आपकी। आपके भी तो आपको नहीं लगता कि आपको अपना बिहेवियर थोड़ा सा चेंज करना चाहिए ताकि उनकी तारीफ का मान रह सके? नहीं अलीना, देखो मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगेगा कि तुम अकेले शॉपिंग मॉल्स में घूमती फिरो, अब रमशा भी नहीं है, ये बिल्कुल ठीक नहीं है। आपकी भी वही सोच है ना हसन, कंजर्वेटिव मर्दों वाली। कमाल है, इसमें कंजर्वेटिव वाली क्या बात है? देखो तुम हिना भाभी के साथ ही शॉपिंग करने जाओगी और बस ये मेरा हुक्म। नहीं, मैं किसी का शिकार नहीं होंगी, किसी की ज्यादती नहीं बर्दाश्त करूंगी। मैं आपका हुक्म मानने से इनकार करती हूँ। किसी रिश्ते की जरूरत नहीं है जो मुझ पे हुक्म चला है अपना जर फरीद गुलाम समझे। सोच लो अलीना, इसका नतीजा बहुत बुरा भी हो सकता है। सोच लिया मैंने। इतनी जल्दबाजी मत करो अलीना, पहली शादी टूट चुकी है तुम्हारी एक। बड़ी अच्छी तरह से जानती हूँ मैं। मैं इस बात पर ये रिश्ता खत्म भी कर सकता हूँ। आप क्या खत्म करेंगे, ये रिश्ता मैं खत्म करती हूँ। मुझे नहीं जरूरत ऐसे शख्स की जो इतना तंग दिमाग हो, इतनी घटिया सोच का मालिक हो, औरत को औरत के गुलाम समझता हो। पर एक बात कहूँ आपको, आप जैसे मर्द ना हिना जैसी औरतों के साथ ही खुश रहते। शट अप। लिसन, आई एम सॉरी यार, हिना ने मुझसे पूछे बगैर शॉपिंग पर जाने से इनकार कर दिया, मैं वाकई शर्मिंदा हूँ। इट्स ओके यार। नहीं यार, अपने होते ही किस लिए, ऐसे वक्त काम नहीं आएंगे तो फिर कब आएंगे? वैसे भी शॉपिंग की जरूरत नहीं है अब। शॉपिंग पर जाने की जरूरत नहीं है, पर क्यों? मैंने अलीना से मंगनी खत्म कर दी। What? शहजाद, मुझे तो बहुत अफसोस हो रहा है सब कुछ सुन के। आई मीन अलीना इतनी अच्छी लड़की है और उन दोनों को छोटी मोटी बातें नजरअंदाज करनी चाहिए। आई थिंक मुझे अलीना से बात करनी चाहिए, समझाना चाहिए उसे, हो सकता है कि कोई सलूशन निकल आए। व्हाट डू यू थिंक, तुम्हारा क्या ख्याल है इस बारे में? हाँ अभी आप अलीना से बात करें, मैं भी हसन को समझाऊंगा। अभी तो उसका गुस्सा खत्म होने का नाम ही नहीं ले रहा, उसका गुस्सा थोड़ा ठंडा हो जाए फिर मैं उससे बात करूंगा। ऐसे नाराज नहीं हुआ, हसन ने मंगनी तोड़ दी है।
मम्मी खत्म कर दी मगर मगर क्यों क्या कह रही हो तुम ये तो आप उसी से पूछिए ना या तो हिना से पूछ लीजिए जिसकी मर्जी के बगैर वो एक कदम भी उठाता जिसकी खुशी के आगे उसको अपनी मंगेता की खुशी नजर ही नहीं आती हिना का जिक्र इसमें कहां से आ गया हिना ही का तो जिक्र है जिसके साथ मुझे शॉपिंग का हुक्म दिया गया जिसकी खुशी की खातिर मुझे अपने जहेज में से हार देना पड़ा हार कौन सा हार वही हार जो मैंने रमशा की शादी में पहना था जो आपको भी पसंद आया था तो इस हार का हिना से क्या ताल्लुक है आई थी एक दिन घर किसी शादी में पहनने के लिए हार मांग रही थी मैंने साफ मना कर दिया लेकिन ढीठ चाहे एसन से कॉल करवा रही है मुझे कौन सी शादी कैसी शादी किसकी शादी अब ये तो मुझे नहीं पता पर इतना जरूर जानती हूँ कि मुझे ना चाहकर भी उसको हार देना पड़ा भले कुछ घंटों के लिए सही लेकिन देना पड़ा हाँ तो मैं तुम्हें यही समझा रही हूँ ना कि वो हार हमारा है तो मुझे एक बात बताओ हमारे सेफ से निकल के वो हार अलीना तक कैसे पहुंच गया हाउ इट इज पॉसिबल भाभी आप इतने यकीन के साथ कैसे कह सकती हैं क्योंकि शहजाद मुझे यकीन है वो हार हमारा है आई नो मुझे अलीना ने खुद ये बात बताई है कि हिना ने उसको फोन करके हार मांगा कि मुझे शादी में पहनना है तो मुझे एक बात बताओ हमारी कौन सी फैमिली में ऐसी शादी आ गई कहाँ पहनना था उसने ये हार और जब तुमने मुझे कहा कि सेफ में जाके चेक करो मैंने चेक किया वहाँ हार नहीं था लॉकर में हार नहीं था तो फिर हार गया कहाँ मुझे झूठा दिखाने के लिए उसने ये बात की उसने तो हमारे खानदान की इज्जत मिट्टी में मिला थी यार कितने दिन हो गए तुमने और भाभी ने चक्कर ही नहीं लगाया यार ऐसन तब उस बिजी हाँ मैंने सोचा कि मैं तुम्हें कॉल करूं लेकिन सहन में नहीं रहा अच्छा यार वो मैंने सुना था कि तुम्हारे और भाभी के बीच में कुछ क्लैशेस चल रहे हैं देखो भाभी बहुत डिस्टर्ब्ड है तुम अलीना की बातों में आके क्यों अपना रिलेशनशिप खराब कर रहे हो वेट अ मिनट ये सब तुम्हें किसने कहा हिना ने यार अब ऐसी बातें कहां छुपती हैं खैर तुम ये छोड़ो कि मुझे ये सब किसने बताया तो मुझे ये बताओ कि तुम इतने समझदार होकर अलीना जैसी झूठी मकार औरत की बातों में कैसे आ सकते हो ऐसा ऐसा मेरी बात सुनो हिना ने तुम्हें ट्रैप किया है अलीना बहुत अच्छी लड़की है यार मैं तो खुद हिना की साजिश और मकारियों से तंग आ चुका हूं यू हैव नो आइडिया यू हैव नो आइडिया कि वो कितनी चलाक लड़की है बिल्कुल गलत मेरे भाई हिना भाभी एक बहुत ही अच्छी लड़की है और अलीना तुम्हारा ताल्लुक खराब कर वो भी इसलिए क्योंकि तुम एक टाइम पर उसे बहुत पसंद करते थे और तुम्हारी वजह से उसकी पहली शादी टूटी यू नो व्हाट हिना ने मुझसे शादी की सिर्फ मेरी दौलत की वजह से उसे तो अभी भी पैसे से ही गर्ज है मुझसे नहीं हाँ वो तो मैं देख ही रहा हूं कि उसे कितनी दौलत मिल रही है क्या मतलब है तुम्हारा यार अभी मतलब मतलब छोड़ो भाभी को मनाओ जाकर तुम्हारा प्रॉब्लम क्या है मुझे समझाओ आज मुझे एक बात बताओ एक हार क्या ले लिया मैंने तुमसे तुमने पूरी दुनिया में तमाशा मचा के रख दिया तुम ना अपनी हरकतों से बाज आ जाओ पहले इन्हीं हरकतों की वजह से ना तलाक लेके घर में बैठी हुई हो तुम तुम्हारा कोई हक नहीं बनता मेरे लिए इस तरह की बातें करने का और तुम जो मेरे खिलाफ बातें करी हो उसका क्या मैं तुम्हारे खिलाफ कोई बात नहीं की है अच्छा अगर तुमने कोई बात नहीं की तो फड़वा के कान किसने भरे हैं अगर ऐसा है तो फिर वो क्या जो ऐसन को गलत गलत बातें की तुमने मेरे खिलाफ हाँ मेरा रिश्ता खराब करने की कोशिश की वो क्या है बस कर जाओ लीना बीबी बस कर जाओ अपनी गलतियां ना दूसरों पर डालना बंद कर दो यकीनन तुम में कोई कमजोरी है जो पहले ना तुमसे तुम्हारा शौहर संभाला गया और अब मंगेतर भी नहीं संभल रहा अपनी बकवास बंद करो वरना ना मैं उंगली नीचे करूं किसको धमकियां दे रही हो वरना क्या करोगी तुम मेरे साथ हाँ पानी ले ले घर भी आ जाएंगे प्लीज प्लीज डोंट क्राई प्लीज अलीना
संभालो अपने आप को प्लीज, आंटी की खातिर। क्या बात है, अब तो खुल्लम खुल्ला रंगरलियां मनाई जा रही हैं। क्या बकवास कर रही हो तुम? मैं बकवास कर रही हूं और तुम इस लड़की के साथ यहां पे क्या कर रहे हो? आंटी को अंजाइना अटैक आया था तो अलीना ने मुझे बुला लिया था। एक मिनट, अटैक आया रात को इतना लेट किसको? किसकी माँ को? शहर के सारे मर्द मर गए सिवाय शहजाद आसिफ के, क्योंकि जाहिर सी बात है वो क्या है ना कि इन अलीना मैडम का तो शहजाद आसिफ के साथ कोई अलग ही किस्म का रिश्ता है ना। अलीना, मुझ पे बरसने की कोई जरूरत नहीं है। पहले ना तो मैं थोड़ी सी शर्म हुआ करती थी, लेकिन जब से इस लड़की के चक्रों में पड़े हो ना तुम तो बगैरत ही हो गए हो। मुझे तो बहुत अफसोस हो रहा है आपके लिए। अफसोस तो बल्कि अलीना के लिए होना चाहिए, जिसने आप जैसे हीरे की कदर नहीं की। क्या था अगर वो अब भी अपनी हरकतों से बाज आ जाती तो? मुझे अगर आप जैसा लड़का मिला होता तो मैं तो पूरी दुनिया भार के फेंक देती उस पे। ओ कम ऑफ इट शहजाद, तुम्हारी ऐसा घटिया मर्द मैंने अपनी जिंदगी में नहीं देखा। अगर तुम अलीना को पसंद करते थे तो फिर उसे ओन करते, और तो और तुमने मुझे सब में क्यों फंसा दिया यार? अपनी बीवी को भी परेशान करके रखा हुआ तुमने। हसन, रिलैक्स, आई कैन एक्सप्लेन। अच्छा, हाउ कैन यू एक्सप्लेन दिस टू मी शहजाद? क्या ये सब? What is this? Tell me, क्या ये सब? ये जरूर तुम्हें हिना ने सेंड किया होगा। इतनी चीप हरकत वो ही कर सकती है। मेरी बात सुनो, मैं तुम्हें समझाता हूँ। क्या बताओगे अब तुम शहजाद? क्या समझाओगे तुम मुझे? कोई नई दास्तान सुनाओगे? कोई नई कहानी? How will you explain this to me? हसन, हाँ मुझे अलीना पसंद आई थी जब मैंने उसकी पहली दफा तस्वीर देखी थी, लेकिन शहजाद, I just don't believe you anymore. मुझे तुम्हारी किसी बात पर कोई एतबार नहीं है। यार मैं शहनाज आंटी को ले आऊंगा तुम्हारे सामने, तुम उनसे पूछ लेना। Enough is enough यार, तुम मुझे और बेवकूफ नहीं बना सकते। अब उम्मीद है कि अब हम कभी नहीं मिलेंगे। ख्याल रखना अपना। Listen, please listen to me. बस आप इस दफा इसे माफ कर दीजिए मेरे कहने से, है ना? माफी मांगो अपने शौहर से, अपनी नंद से माफी मांगो। मैं आपसे कह चुकी हूँ कि हम अपना फैसला आपको सुना चुके हैं। हम किसी भी सूरत हिना को उस घर में नहीं रख सकते। सर, मंसूर एक ब्लैकमेलर है, साल भर में 2 से 3 बार जेल जरूर जाता है। अमूमन लड़कियों को ब्लैकमेल करके पैसा कमाता है और नशा भी बेचता है, और तो और अपने इलाके में बदमाश के तौर पर मशहूर है। और वो क्या हुआ, कुछ कहना चाह रहा है? सर मैडम हिना हफ्ते दो हफ्ते में एक बार मंसूर से रेस्टोरेंट में मिलती है, दोनों कॉन्टेक्ट में, और मंसूर के अकाउंट में रकम भी ट्रांसफर करवा चुकी। उस ब्लैकमेलर का दोबारा फोन तो नहीं आया आपको? नहीं, कोई कॉल नहीं आई उसकी। आपने कुछ पता करवाया उसका?
आपने बिल्कुल ठीक कहा था, वो हिना के साथ रابطے में था, उसने जो कुछ भी किया हिना के कहने पर किया। कलीना मैं सोच भी नहीं सकता था, मैं सोच भी नहीं सकता था कि हिना इस हद तक गिर सकती है। अब खैर, अब वो मेरे साथ नहीं है, मैं फैसला कर चुका हूं। रात इतना बड़ा फैसला इतनी आसानी से मत कीजिए, थोड़ा सोच लीजिए। क्या सोचना लीना, मैं उस औरत के साथ नहीं रह सकता। वो तो शुक्र है कि मेरी उसके साथ औलाद नहीं, वरना फैसला लेना मेरे लिए बहुत मुश्किल होता। लेकिन लेकिन अब नहीं है। अलीना भी नजर नहीं आ रही, वो इस वक्त एकेडमी गई हुई है। अच्छा, वो आपसे जो मैंने काम कहा था वो किया आपने? शनाज, मैं भी बेटियों वाली हूँ। देखो, मैंने तो अपनी तरफ से पूरी कोशिश की है, पर वो लोग मान नहीं रहे। क्या कहते हैं वो लोग? वही सब कुछ जो तुम्हें पहले बताया था। मुझे आपसे बड़ी आस है, आप एक बार फिर कोशिश करके देखें। अल्लाह का वास्ता, मेरी बच्ची का घर बचा ले। हिना अलीना को ब्लैकमेल करने में इन्वॉल्व है, उसी की वजह से आपकी बेटी का घर दो दफा उछड़ा, और आप उसका घर बसाने में एड़ी चोटी का जोर लगा रही हैं। बेटा, इन बातों के बदले नहीं लिए जाते। उसने जो किया है वो जाने। मैं हिना को बहुत अच्छे तरीके से जानता हूं, वो अपनी फितरत के हाथों मजबूर होकर ये सब दोबारा करेगी। मैं जानती हूं उसकी फितरत है ये। हाँ, तो मैं भी तो यही कह रहा हूं, उसकी फितरत कभी नहीं बदल सकती। इसलिए मैंने फैसला किया कि मैं हिना के साथ नहीं रह सकता, मैं उसे तलाक दे दूंगा। क्या ये क्या कह रहे हो बेटा तुम? क्या आंटी? और अलीना से मैं शादी करना चाहता हूं। यहाँ कह रही क्यों बैठी, कोई आया था क्या? शहजाद आया था। शहजाद आए थे, खैर तो थी? मैंने बुलाया था उसे, हिना की बात करनी थी ताकि दोनों की आपस में सुलह हो जाए। चैप्टर कब का क्लोज हो चुका है और आप अभी तक वहीं फंसी हुई हैं? और वैसे भी हम क्या कर सकते हैं, मना किया था ना मैंने कि उनके दरमियान नहीं बोलना, हमने उन्हें इस मामले में नहीं पढ़ना। खैर, क्या वो आप दोनों मान गए? वो तो बात ही खत्म कर गया, लेकिन एक नई बात कर गया वो। नई बात? क्या नई बात? अम्मा बोले खामोश क्यों है, क्या बात? तुमसे शादी करना चाहता है। लो, वसूल कर लो अपना इनाम। हर वक्त मुझे इसी बात का धड़का लगा रहता था। शरीफ घरानों में तो मौत से ज्यादा नहीं होता तलाक का लफ्ज। अब इस उम्र में ये सब भी देख रहा था। आप क्यों मेरे जख्मों पे नमक छिड़कते रहते हैं? क्यों मुझे अब तक भाभी कहते हैं? मुझे तो तलाक हो गई, आप मुझे भाभी मत बोला करें। तो फिर हिना बोला करें बस।
मैं कोशिश करता हूँ। अल्लाह भाभी। फरबा को कॉल करके इस रिश्ते के लिए हाँ कर दे। क्या सच कह रही हो तुम? शुक्र है अल्लाह का। आंटी तो फिर आपकी इजाजत है? हाँ हाँ बेटा बिस्मिल्लाह करें। नैनों की आदत बुरी। शहजाद चाहे दीद तेरी। नैनों की आदत बुरी। तुम थे वो अजनबी फैसाने लापता। मुबारक हो बेटा आपको। बहुत बहुत मुबारक हो। मुबारक। सुनो प्लीज ये गरीबों को दे देना। आंटी मैं सोच रही थी कि क्यों ना इसी महीने हम अपनी अमानत को रुखसत करके ले जाएं। हाँ हाँ बेटा आप लोगों की अमानत है, जब जी चाहे ले जाओ। ठीक है। हाँ लीना कैसी हो? शहजाद मैं ठीक हूँ। शहजाद हिना की कॉल आई थी और वो कह रही थी कि कोर्ट ने शादी करने से मना कर दिया। बिल्कुल बकवास करती है वो। ये वक्ती स्टे ऑर्डर आया कोर्ट की तरफ से। मैंने अपने लॉयर से बात की है, उसने कहा है कि पहली पेशी में ये मसला हल हो जाएगा। बस इस ऑर्डर की यही वैल्यू है। आप सच कह रहे हो ना? तुम बिल्कुल परेशान मत हो, मैं हूं ना। मुझे तो बात ही नहीं करनी इस सबके बारे में। मैं बस इतना कहने आई हूं कि मैं केस वापस ले लूंगी, लेकिन मुझे 2 लाख नहीं चाहिए, 20 लाख लूंगी मैं। ओके। पर कौन सा केस? वो तो पहली पेशी में ही खारिज हो गया और तुम्हारा सो कॉल्ड स्टे ऑर्डर वो भी खत्म हो चुका। 20 लाख इन सारे कलर्स में मेरा फेवरेट कलर ये। कैसा लगे? बहुत अच्छा। जब पहनोगी ना। अस्सलामुअलैकुम भाई। फवाद मेरा बच्चा। अरे मैं सब के कैसे मैं सब के ओए मैं भी। क्या हाल है? बिल्कुल ठीक। कितना बड़ा सरप्राइज अचानक से बता तो देते एयरपोर्ट आ जाते लेने के लिए। अम्मा बच्चों के एग्जाम चल रहे थे इसीलिए मैंने लुबना को भी कहा कि तुम नहीं रुको। मैं तो अपनी बहन की जादू पे जा रहा हूँ। कुछ खिला दो, बहुत भूख लगी है। इतना अरसा हो गया आपके हाथों का कुछ खाए हुए। तू बैठ तो सही सांस तो ले ले। अभी खिलाती हूँ अपने। मैं नशा करके खाना लगाती हूँ। क्यों बुलाया मुझे यहां? तुम्हारा वकील आया था मेरे पास। सुना खुला ले रही हो तुम मुझसे? हाँ ले रही हूँ। जो काम मुझे बहुत पहले कर लेना चाहिए था वो अब कर रही हूँ। एक बेटी की माँ हो तो खुला लेने के बाद क्या जवाब दोगी उसे?
कि किधर गया उसका बाप? कह दूंगी कि मर गया उसका बाप। अक्सा, अक्सा बात सुनो मेरी। अगर हिना ने अपने साथ कुछ कर लिया तो मैं कभी भी खुद को माफ नहीं कर सकूंगा। हिना, 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 नहीं क्या कर रही हो तुम? पागल हो गई हो जो अपनी जान लोगी तुम? आपको क्या फर्क पड़ता है? आप तो नहीं दे रहे ना मेरा साथ, तो अब मैं जीऊं या मरूं? हिना, 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 तुम्हारा साथ किसी ने नहीं छोड़ा है, तुम अकेले नहीं हो। देखो मैं हूं ना तुम्हारे साथ, मैं हमेशा तुम्हारा ख्याल रखूंगा, लेकिन तुम्हें मुझसे एक प्रॉमिस करना पड़ेगा कि तुम कभी भी ऐसी कोई बच्चों जैसी हरकत नहीं करोगे। अगर आप मेरा साथ देंगे तो मैं वादा करती हूं मैं कभी खुद को अकेला नहीं समझूंगी। देखो मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूं, लेकिन देखो प्लीज ऐसी बेवकूफी दोबारा मत करना तुम, प्लीज। अस्सलाम वालेकुम। क्या बात है भाई, तुम तो शादी के बाद बिल्कुल ही चेंज हो गई। पहले तो वालेकुम सलाम, और दूसरी बात, तलाक के बाद आप बिल्कुल नहीं बदली, बिल्कुल वैसी की वैसी है। जाहिर सी बात है, मैं क्यों टेंशन लूंगी उस बुढ़ी रूके जाने की। तुम मुझे एक बात बताओ, मैं सोच रही थी काफी दिन से तुम मिल गई हो तो पूछ लेती हूँ, तुमने क्या देखा शहजाद में? मेरा मतलब है एहसन के सामने। कहाँ एहसन, कहाँ शहजाद। अब तो ये अपनी पसंद पसंद की बात है ना। नहीं, आपको वो शहजाद में खामियां देती थी और मुझे नहीं। कहना भी हनीमून पीरियड चल रहा है तुम्हारा, सबको सभी अच्छा लगता है इस पीरियड में, तो मैं भी बहुत खुश थी। लेकिन फिर आहिस्ता आहिस्ता जब उसका शकी मिजाज मेरे सामने आया और इतनी पाबंदियां, फिर लग पता गया मुझे। ओ लेकिन मैं तो भूल गई, तुम्हें तो कॉम्प्रोमाइज करना पड़ेगा ना, दूसरी शादी है, तुम करो कॉम्प्रोमाइज, तुम करना। आप कब कर रही हैं दूसरी शादी? भाई हम भी तो देखें कि आप कितना कॉम्प्रोमाइज करती हैं जो आपने पहली शादी में नहीं किया। बहुत जल्द कर रही हूँ दूसरी शादी, बहुत अच्छे इंसान से। Will you marry me? एहसन, ये क्या मजाक है? Now, I'm serious. आप मुझे प्रपोज कर रहे हैं? एक्चुअली मैं बहुत दिनों से ये बात सोच रहा था, लेकिन हिम्मत नहीं हो रही थी। अब आज ये बात हो ही रही है तो मैंने सोचा कि मैं खुल के तुमसे बात कर लूं। तो बताओ कि will you marry me? अस्सलाम वालेकुम। आज तो बहुत थक गया।
क्या बात है अलीना, सब ठीक है? मोबाइल का है मेरा। ओह, मेरे जहन से ही निकल गया। मुझे रेस्टोरेंट कॉल करनी थी, उनसे पूछना था, वो इतना हैक्टिक डे था कि मैं भूल ही गया। फिरजा में ये एक्टिंग ना करें, मुझे पता है कि मेरा मोबाइल कहाँ है। क्या मतलब? मतलब ये कि आपने मेरा फोन छुपाया ना, तो दीजिए। What? पागल हो गई हो? मैं तुम्हारा फोन क्यों छुपाऊंगा? सब समझती हूँ मैं। पहले मेरा मोबाइल छुपाया, फिर घर का फोन भी बंद करवा दिया। हाँ, घर का फोन, फोन खराब है? वैसा भी एक्टिंग ना करें, तो खुद ही लेने वाली सॉन्ग पे थी। हो क्या हो गया तुम्हें? अलीना ने ऐसे सोच भी कैसे लिया कि मैं उसका मोबाइल छुपा लूंगा? आखिर उसने मुझे इतना घटिया समझ रखा है। सब समझती हूँ मैं कि मेरे साथ क्या गेम खेल रहा है। अगर मुझ पे शक है तो साफ कह दे, ये चूहे बिल्ली का खेल बंद कर। पहले मेरा मोबाइल छुपाया, फिर घर का फोन बंद करवा दिया। हाँ, वो हर बात में मुझे अली से कंपेयर क्यों करती है? अगर शक ही करती तो मेरे मुंह पे बोलो, जैसे अली कहा करता था। वो जानती भी है कि मैं अली जैसा नहीं हूँ, फिर भी क्या करूँ, किससे कहूँ? क्या मुझे आप ही से बात करनी चाहिए? मैं ऑफिस जा रहा हूँ, लैंडलाइन वालों को कॉल कर दूंगा, कंप्लेन कर दूंगा, वो आकर देख लेंगे, उन्हें दिखा रहा हूँ। जी समझे। नूरी। जी साहब जी। मोबाइल अलीना को दे देना। जी ठीक। गाड़ी में छोड़ गई थी, और उन्हें ये भी बता देना कि अपनी चीजें संभाल कर नहीं रख सकती तो दूसरों पर इल्जाम मत लगाएं। जी ठीक है। बीबी जी, ये आपका मोबाइल, साहब देकर गए थे। साहब वापस आए थे? जी, वो कह रहे थे कि ये मोबाइल उनको गाड़ी से मिले। गाड़ी में कैसे रह गए? और कुछ नहीं कह रहे थे? जी, वो कह रहे थे कि आप अगर अपनी चीजों का ख्याल नहीं रख सकती तो दूसरों पर इल्जाम मत लगाया करें। जो कुछ अली ने उसके साथ किया है ना, वो सब उसके दिमाग में खौफ बन के बैठ गया है। वो हर ऐसे और इस किस्म के वाकये के बाद यही समझती है कि ये सब कुछ उसके साथ जानबूझ के हो रहा है। वो तुम पे मुकम्मल ट्रस्ट नहीं कर पा रही है। तो आप ही बता दें, बताएं कि मैं ऐसा क्या करूं कि उसको मुझ पर एतबार हो जाए और उसको ये यकीन हो जाए कि मैं वैसा नहीं हूं। शहजाद, कि तुमने उसे यकीन दिलाना है कि तुम उस पर शक नहीं करते हो, उस पर एतमाद करते हो और उसका बुरा नहीं चाहते, उसका भला चाहते हो। यू हैव टू डू दिस, समझ रहे हो ना मेरी बात? Thank you.
हेलो हेलो कहाँ पे हो? मैं बस घर जा रही हूँ अम्मी की तरफ से होते हुए। खैरियत? अच्छा अच्छा चलो अच्छा है। सुनो घर जाके तैयार हो जाना। कहीं जाना है क्या? हाँ वो दोस्तों के साथ डिनर का प्लान है, तो तुम अच्छे से तैयार हो जाना और तुम्हें ड्राइवर वहां पर ले आएगा, मैं डायरेक्टली यहाँ से आ जाऊंगा। और सुनो बहुत अच्छे से तैयार होना। अरे दानियाल क्या हाल है तुम्हारे? मैं ठीक ठाक, अल्लाह का शुक्र, तुम बताओ? है ना, ये मेरा दोस्त दानियाल है, मेरा सबसे अच्छा दोस्त और मेरा कॉलेज फ्रेंड। अस्सलाम वालेकुम भाभी। वालेकुम अस्सलाम। भाभी कहाँ पर है? यही कहीं होंगी, आती होंगी। I'm here. तुम मिसेज एहसन हो? तुम दोनों एक दूसरे को जानते हो? जानते? बहुत अच्छी तरह से जानते हैं, हम कॉलेज फ्रेंड्स थे। वैसे तुम मिसेज शहजाद से मिसेज एहसन कैसे बन गई? दानियाल आपको पता है हिना की एक बहुत बड़े बिजनेसमैन से शादी हुई थी, पर लगता है उसे भी इसने वैसे ही धोखा दे के अलग हो गई जैसे हमें दिया था। रामीन हम बाद में बात करेंगे, अभी चुप कर जाओ। तुमने हम सब दोस्तों के साथ जो किया है ना, वो हम कभी नहीं भूल सकते। इंसल्ट तो तुमने हमारी की है, सारी जिंदगी हमें बेवकूफ बनाकर। शट अप। ऐसे ना, आप मेरा यकीन करें, वो जो कुछ कह रही थी सब झूठ था। प्लीज इना, मैं इस वक्त इस बारे में कोई बात नहीं करना चाहता तुमसे। लेकिन मैं करना चाहती हूँ। आप ऐसे किसी भी अरे खेरे की बात पे यकीन कर लेंगे? मैं आपकी बीवी हूँ ऐसे, आप मेरी बात पे भरोसा करें। हिना जो कुछ भी आज हुआ वो नहीं होना चाहिए था। वो लोग क्या सोचते होंगे मेरे बारे में आज, ये सोचा है तुमने? लेकिन वो सब कुछ झूठ था, वो झूठ कह रही थी। वो क्यों झूठ बोलेगी? कोई दुश्मनी है उसकी तुम्हारे साथ? क्यों तुम्हें सबके सामने बदनाम करेगी वो? हाँ है मेरी दुश्मनी उससे। कॉलेज में पढ़ती थी मेरे साथ, दोस्त थी मेरी बहुत अच्छी। एक छोटी सी बात पे मेरी और उसकी लड़ाई हुई, तब से मेरे पीछे ही पड़ गई कि मैं बदला लेके दिखाऊंगी। ले लिया उसने बदला। नूरी जी, बीबी जी, ये कौन है? बीबी जी ये वो कौन, बोलो कौन है? खालदा जी। साहब जी। खालदा मेरे कमरे की सफाई तुम करती हो ना? जी साहब जी, मैं ही हमेशा करती हूँ। खालदा मैंने अपने कमरे के कबर्ड में कुछ पैसे रखे थे, देखे तुमने? मैं तो हमेशा बाहर से सफाई करती हूँ, मैंने कभी कोई अलमारी या दराज नहीं खोला साहब। शुक्र है एक छोटे से ड्रामे से एहसन का दिल तो मेरी तरफ से साफ हुआ। सॉरी खालदा बीबी, जल्दी में तुम्हें याद रही मुझे। अब खुद को बचाने के लिए मुझे किसी का तो नाम लेना था, तो बस तुम्हारा ले लिया। थैंक यू। बहुत बिजी थे आज आप, मेरी एक कॉल भी नहीं उठाई आपने। इंतजार कर रही थी मेरा? जाहिर है, इंतजार नहीं करूंगी तो और क्या करूंगी? इतनी कॉल्स की, ना ही कोई कॉल उठाई और ना ही कॉल बैक किया। I'm sorry, मेरी एक बहुत इंपॉर्टेंट मीटिंग थी, जब मैं फ्री हुआ तो तुम मसरूफ हो गए शायद। मैं मसरूफ? नहीं तो क्यों, आपने कॉल की थी क्या मुझे? नहीं कॉल तो नहीं की थी, लेकिन तुम आज मॉल के बाहर किसके साथ खड़े थे? क्या हुआ लीना, मैंने कुछ पूछा है तुमसे? मेरा कोई कसूर नहीं है, मैं उसे जानती तक नहीं हूं। अलीना क्या हुआ? अली मेरा किसी से कोई अफेयर नहीं चल रहा, मैं सच कह रही हूं, मैं उसको जानती तक नहीं हूं। अली
मैं सच कह रही हूँ, मेरा किसी क्या हो गया? मैं शहजाद हूँ, शहजाद हूँ अलीना। मेरा कोई कसूर नहीं है, मैं उसे जानती तक नहीं हूँ। मैं अक्सर के साथ गई थी वहां पर और उसको कॉल आ गई थी तो वो बात करते करते साइड पे चली गई थी। अच्छा रिलैक्स रिलैक्स। अरे मैं तो ऐसे ही पूछ रहा था, मैं एक्चुअली अपने कुलीग के साथ, तो मैंने तुम्हें वहां देखा, मैं आ जाता तुम्हारे पास, लेकिन मैं अकेला नहीं था ना। जस्ट रिलैक्स। मैं सच कह रही हूँ, आपको मुझ पर यकीन है ना अलीना? मैं सच कह रही हूँ। अच्छा बस रिलैक्स, ओके रिलैक्स, आई ट्रस्ट यू। तुम इधर आओ, इधर आओ, इधर बैठ, इधर बैठ। अच्छा इधर आओ, इधर इधर। मैं नहीं जा रही। जस्ट रिलैक्स, बस। या अल्लाह कैसे समझाऊं मैं इसे, पता नहीं क्या करना चाह रही है लड़की अपनी जिंदगी के साथ। रमशा, I think she needs a psychiatrist. आप ठीक कह रहे हैं, मेरा भी ये ख्याल है कि उसकी हेल्दी और नॉर्मल लाइफ के लिए उसे साइकेट्रिस्ट को कंसल्ट करना पड़ेगा। मैं चाहता हूँ कि तुम उसे समझाओ, तुम उसे समझाओ कि उसकी जिंदगी के लिए कितना इम्पोर्टेंट है, क्योंकि अगर मैं उसे समझाऊंगा, बात करूंगा, तो वो शायद मेरी बातों को तो नेगेटिव ही ले ले। नहीं नहीं, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, मैं बात करती हूँ उससे। आप बिल्कुल परेशान ना हो, बस दुआ करें कि वो मान जाए। थैंक यू। ओके, खुदा हाफिज़, ख्याल रखिएगा। पता नहीं रमशा मुझे क्या हो जाता है, छोटी छोटी बातों पे इतना रिएक्ट करने लगती हूँ, इतना बड़ा समझने लगती हूँ। कल शहजाद ने सिर्फ मुझसे पूछा था, मैं समझ रही थी कि वो ये कह रहे कि मैं गलत हूँ। मैंने इतनी छोटी सी बात पे इतना रिएक्ट किया कि मुझे अफसोस हो रहा है। अब जब अफसोस ही करना होता है बाद में, तो फिर ऐसी हरकतें करती क्यों हो तुम? मैं जान के नहीं करती, मुझसे बस हो जाता है। तो साफ कहो ना कि जहन अभी तक उलझनों का शिकार है और तुम इन्हें खुद से सुलझा नहीं पा रही। तो क्या करूं, ऐसा क्या करूं जिससे सारे मसले हल हो जाए? मेरी मानो तो किसी अच्छे साइकेट्रिस्ट को कंसल्ट करो। साइकेट्रिस्ट? तो मुझे पागल कह रही हो। पागल हो नहीं, लेकिन बात पागलों वाली की है तुमने, बल्कि सच कहूं तो जाहिलों वाली। देखो, अगर बंदा मेंटली थोड़ा डिस्टर्ब हो तो साइकेट्रिस्ट के पास जाने में कोई हर्ज नहीं होता। ऐसा बंदा पागल भी नहीं होता, बस उसे मदद की जरूरत होती है, और इस वक्त तुम्हें अपने मुश्किल वक्त से निकलने के लिए मदद की जरूरत है। चलो तुम्हारे कहने पर मैं चली भी जाऊं, तो क्या तुम्हें लगता है कि मसले मेरे सारे हल हो जाएंगे? जाकर तो देखो, क्या पता हल हो जाए। अगर तुम अपने आप को नॉर्मल देखना चाहती हो तो ये कदम तो तुम्हें उठाना पड़ेगा। अरे यार, हर इंसान की तरह, हर नॉर्मल इंसान की तरह मैं भी जिंदगी गुजारना चाहती हूँ। थक गई हूँ मैं, अजीब होती जा रही हूँ। तो बस फिर देर मत करो, फौरन से अपॉइंटमेंट लो, ठीक है? शहजाद से बात करती हूँ। खुदा हाफिज़। Thank you. शर्मिंदा, माफी मांगना चाहती हूँ। क्या फायदा उस माफी का जो हर बार मांगी जाए? आइंदा नहीं करूंगी। हर बार यही कहती हो ना? कह रही हूं ना, प्रॉमिस नहीं करूंगी। अलीना, मुझे तुमसे डर लगने लगा है। क्यों, मुझसे क्यों डर लगने लगा है आपको?
इस बात पर रिएक्ट कर जाओ, चिल्लाने लग जाओ, रोने लग जाओ, कभी भी नाराज होकर घर छोड़कर चली जाओगे। इसमें मैं डरू नहीं तो क्या करूं बताओ? नहीं करूंगी, सच में नहीं करूंगी। शिजाद, मुझे किसी अच्छे साइकेट्रिस्ट को दिखाइए प्लीज। साइकेट्रिस्ट? मैं ठीक नहीं हूं, जब मेरी तबीयत ठीक नहीं लगती मुझे लगता है मुझे अब जरूरत है। हेलो। हाँ हेलो शाजिया, ये हिना कहाँ पर है, मेरी बात करवाओ उससे। वो घर पर नहीं है साहब जी, वो किसी काम से बाहर गई हुई है। ओके। हिना, तुमने मुझसे क्या कहकर पैसे लिए थे कि तुम्हारी अम्मी बीमार है, उनका चेकअप करवाना है, उनका टेस्ट करवाना है तुमने, लेकिन वो तो बिल्कुल ठीक है। हिना आपको क्या हो गया, अम्मा तो सच में बीमार है। झूठ मत बोलो हिना, मैं उनसे मिलकर आया हूँ, वो बिल्कुल ठीक है। तो आपकी डॉक्टर से बात हुई, उन्होंने क्या कहा आपसे? कुछ खास नहीं, और वैसे भी तुम्हें डिप्रेशन नहीं है तो उन्होंने कोई मेडिसिन नहीं दी। ये तो अच्छी बात है ना कि तुम ठीक हो। शायद ये अच्छी बात नहीं है, मैं ठीक नहीं हूं ये हम जानते हैं, मसले की बात ये कि कैसे ठीक होना ये हम नहीं जानते। डॉक्टर ने कुछ तो कहा होगा आपसे कि कहां जाना चाहिए, किससे मिलना चाहिए, किससे बात करनी चाहिए। किसी अच्छे साइकोलॉजिस्ट को दिखाएं। ये कहा उन्होंने, उन्हें लगता है कि किसी साइकोलॉजिस्ट को दिखाना चाहिए हमें। नहीं नहीं, उन्होंने नहीं कहा, मैं कह रहा हूं कि किसी साइकोलॉजिस्ट को दिखाएंगे, वो तुम्हारी काउंसलिंग करेंगे, तुम बेहतर फील करोगी। शायद हो भी सकता है, साइकेट्रिस्ट ना सही साइकोलॉजिस्ट ही सही। कब जाऊं? जाओगे? इसीलिए पूछ रही हूँ कि कब जाना। मैं किसी अच्छे साइकोलॉजिस्ट का पहले पता करता हूँ। ओके। ज्वेलरी तो नहीं है? मैंने खुद उन्हें निकालते हुए देखा था अपनी आंखों से। ये भी तो हो सकता है कहीं पहन कर गई हो वो। सारा जेवर? इतना जेवर कौन पहनता है? ये क्या हो रहा है? कहाँ थी तू? मैं जहां पे भी थी, आप दोनों ऐसे क्यों खड़े हुए हैं? तुम क्या कर रही हो साहब के साथ? ज्वेलरी कहां पर है हिना? कौन सी ज्वेलरी? ज्वेलरी तो अलमारी में होती है सारी। ज्वेलरी लॉकर से गायब है ना? क्या? और आप दोनों मुझे ऐसे क्यों देख रहे हैं? मैंने चोरी की है क्या? हिना खालदा बीबी ने अपनी आंखों से देखा तुम्हें ज्वेलरी चुराते हुए। अस्तग़फ़िरुल्लाह। अच्छा, पहले तुमने पैसे चोरी किए, अब तुमने ज्वेलरी चोरी की, और अपनी चोरी छुपाने के लिए मुझ पर इल्जाम डाल रही हो। मैंने ऐसा कुछ नहीं किया। तो मैंने किया है क्या? ऐसे में इसका दिमाग तो नहीं खराब हो गया? मतलब अपनी ही ज्वेलरी मैं ही चोरी करूंगी? पागल हो गए आप दोनों? अपने क्वार्टर दिखाओ, चलो इसे क्वार्टर की तलाशी लेंगे हम। चले हिना, उससे पहले तुम्हारे बैग की तलाशी होगी। दिमाग खराब हो गया क्या? मेरे बैग की तलाशी क्यों होगी हिना?
तलाशी पहले तुम्हारे बैग की ही होगी। सब्र कर जाएं, मैं आपको सब बताती हूँ। खोले इसको, खोले। देख, घुस जाओ तुम भी अंदर, निकाल के दिखाओ मुझे। निकालो, जाओ निकालो, दिखाओ मुझे कहाँ है। मैं निकालती हूँ, सफर करो। ये लो। और कुछ? और कुछ बस है ना, कहाँ है ना? ठीक, अब तलाशी इसके क्वार्टर की होगी। सामने वाली जिप इधर दो मुझे, छोड़ो इसे, ये बक्सा खोलो। माफी चाहती हूँ साहब जी, मगर माफी उस गुनाह के मांग रही हूँ जो मैंने किया ही नहीं है। मगर जानती हूँ इस बात को साबित नहीं कर सकती। मैं जा रही हूँ, मैं हो सके तो मेरा यकीन कर लीजिएगा कि चोरी मैंने नहीं की। मगर जाते जाते एक बात कहना चाहती हूँ, बेशक हिना बीबी इस घर की मालकिन ही सही, मगर इन पर नजर रखिएगा क्योंकि आप नहीं जानते कि आपने किस औरत से शादी कर ली है। खालदा बस करो, तुम जाओ यहां से। अल्लाह हाफिज। और खौफ कब आता है आपको शहजाद से? तब जब कुछ ऐसा होता है जो अली से मिलता जुलता हो, तो मैं सोचती हूँ कि ये तो सब कुछ अली भी करता था। तब मुझे फिर शहजाद अली लगने लगते। इन सारी सोचों की वजह से मैं अपना रिश्ता खराब कर रही हूँ। बाल बांध रही हूँ सोने के लिए, बहुत थक गए ना आज हम लोग। आप बताएं किस बात करने गए थे? पता नहीं, तुम बताओ क्या हुआ आपको? खाना तुमने खुद बनाया था? हाँ मैंने खुद बनाया था। रेस्टोरेंट से खाना ऑर्डर करके अपने नाम से सर्व करते हुए शर्म नहीं आती तुम्हें? चुप कर जाओ ना, बिल्कुल चुप। इससे पहले कि मैं कुछ उल्टा सीधा बोल दूं, तुम बिल्कुल चुप कर जाओ। अहसन, मुझे क्यों कॉल कर रहे? हेलो। हाँ शहजाद, अलीना की थोड़ी तबीयत खराब हो गई है, तुम इधर हॉस्पिटल आ जाओ, मैं तुम्हें लोकेशन पिन कर रहा हूँ। अलीना हॉस्पिटल में? पर क्या हुआ उसे, वो ठीक तो है ना? हाँ हाँ वो बिल्कुल ठीक है, बस ऐसी थोड़ी तबीयत खराब हो गई थी, परेशानी की कोई बात नहीं है। वो तो डॉक्टर के पास चेकअप के लिए गई थी, तुम उसके पास कैसे हो? बाकी बातें तुम यहाँ पर आकर पूछ लेना, फिलहाल तुम बस जल्दी यहाँ पर आ जाओ। ओके बाय। अलीना, अलीना तुम ठीक हो? हाँ शहजाद मैं ठीक हूँ, परेशान होने वाली कोई बात नहीं। सारी गलती मेरी है, मुझे तुम इस तरीके से अकेले नहीं भेजना चाहिए था। ऊपर से तुम्हारी तबीयत भी ठीक नहीं थी, मुझे तुम्हारे साथ जाना चाहिए था। शहजाद मैं ठीक हूँ ना, मैंने कहा
कोई बात नहीं। थैंक गॉड। अच्छा, मुझे एहसन की कॉल आई थी। ओके, कैसे वो ही लेकर आया मुझे यहाँ पर। कहाँ है वो? यही तो था, आपको नजर नहीं आया? देखिए कहीं कहीं बाहर ही होगा। हाँ मैं देखता हूँ। एहसन, थैंक्स यार, तुम नहीं होते तो पता नहीं क्या होता। मैं ना होता तो कोई और होता, इतनी कोई बड़ी बात नहीं। फिर भी यार, तुमने आउट ऑफ द वे मुझे और अलीना को फेवर किया। आउट ऑफ द वे? हाँ शायद। एनीवेज, मुझे बड़ा अच्छा लगा तुम्हें और अलीना को साथ खुश देखकर। हालांकि मुझे इतना खुश होना नहीं चाहिए, लेकिन फिर भी अच्छा लगा। एनीवेज, बाय। थैंक यू वंस अगेन। टेक केयर। एक्सक्यूज मी जी, यहाँ पर शहनाज बीबी के नाम से एक पेशेंट होंगी ट्यूमर की, आप प्लीज चेक कर सकती हैं उनका डॉक्टर कौन है? एक मिनट सर। आंटी, मैं चाहता हूँ कि आप हमारे साथ चलकर रहें, आपका इस तरह अकेले रहना ठीक नहीं है। बेटा, मैं तो एक अरसे से अकेली रहती रही हूँ, मुझे अकेले रहने की आदत है। वो तो ठीक है, लेकिन आपकी जब तबीयत बेहतर हो जाएगी तब आप वापस आ जाइएगा। इस तरह जब तक आपका इलाज चल रहा है आपका अकेले रहना बिल्कुल भी ठीक नहीं है आंटी। मेरा इलाज? मैं तो बिल्कुल ठीक हूँ बेटा, मेरा किस चीज का इलाज हो रहा है? वो अम्मी, दरअसल एहसन का मतलब है कि हिना, मैं अपनी बात खुद कर सकता हूँ, तुम्हारा बीच में बोलना जरूरी नहीं है। आंटी, मेरा मतलब है कि जब तक आपकी बीमारी खत्म नहीं हो जाती तब तक तो आप हमारे साथ रह सकती हैं ना। बीमारी? हाँ जी, वो हिना ने मुझे ये भी बताया था कि आप बीमारी की वजह से सब कुछ भूल जाती हैं। हिना, कौन सी बीमारी है मुझे जरा बताओ तो सही। आंटी, ब्रेन ट्यूमर नहीं है आपको? क्या, कैसी बातें कर रहे हो? किसने कहा मुझे ब्रेन ट्यूमर है? है ही ना? हाँ, और हिना ने मुझे बताया था कि आप सब बातें भूल जाती हैं। मैंने हिसाब से कुछ भी नहीं कहा था। बस कर दो हिना, बस कर दो। यकीन आ रहा है आंटी आपको कि आपकी बेटी इतनी झूठी और दोगली है? किसने कहा है तुमसे? हाँ बेटा, मुझे भी यकीन नहीं आ रहा। ऐसा मैंने आपसे कब झूठ बोला? हिना, बस कर दो तुम। मैं नूर हॉस्पिटल गया था, वहां पर ऐसा कोई केस ही नहीं है, कोई ट्रीटमेंट नहीं हो रहा तुम्हारी अम्मी का। सिर्फ तुमने कुछ पैसों के लिए, सिर्फ कुछ पैसों के लिए मेरे से इतना झूठ बोला तुमने? शर्म आ रही है तुम्हें? इतनी गिरी हुई इंसान हो तुम। ऐसे में ऐसी बात मत करें आप मुझसे। आप समझने की कोशिश कीजिए, अम्मा को नहीं पता तुमने कहा था भूल जाके। अच्छा आप घर चले, मैं आपको घर जाके सब कुछ समझा। हिना, मुझे तुम्हारी किसी बकवास में कोई इंटरेस्ट नहीं है। मुझे पता है कि तुम सिर्फ झूठ बोल रही हो। मेरी बात सुनो, तुम जब तक तुम्हारा दिमाग खुद ठीक नहीं हो जाता ना, तुम यहीं पर रहो, अपने दिमाग का इलाज करवाओ, उसके बाद घर आने का सोचना तुम। एहसन, मेरी बात सुनो, रुक रुक रुक, एक मिनट मेरी बात तो सुनिए। अपने ना दिमाग पे जोर डालेंगी तो हम घर चल के बात करते हैं, मैं अभी यहाँ नहीं रुक सकती, आप मुझे साथ लेके। अगर तुम मेरे साथ गई और मैं यहाँ पर एक मिनट भी और रुका ना तो ये रिश्ता हमेशा हमेशा के लिए खत्म हो जाएगा। यहीं पर रहो। आप आ गए तो
मैं तो यहाँ पर आ गया, लेकिन तुम यहाँ पर क्या कर? ऐसे मेरा घर है ये, मैं कहाँ जाऊंगी? और जहन्नुम में जाओ तुम मेरी तरफ से, लेकिन बस इस घर में मत आओ। ऐसे खुदा के लिए ऐसे तो मत कहें, मेरा घर है ये, आप शौहर हैं मेरे। ऐसे मुझे माफ कर दें प्लीज, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। मैंने जाने अनजाने में आपसे झूठ कह दिया, प्लीज मुझे माफ कर दें। ना, इस बार तुमसे सिर्फ गलती नहीं हुई, तुमसे गुनाह हुआ। एहसन, अगर इंसान से गुनाह हो जाए तो माफी मांगने पे माफी भी तो मिल जाती है। हिना, तुम कितनी बार मुझे बेवकूफ बना चुकी हो, कितनी बार तुमने मुझसे झूठ बोला, शायद तुम्हें खुद याद नहीं होगा। मैंने बेवकूफ नहीं बनाया आपको कभी भी, मैंने जाने अनजाने में झूठ बोल दिया, लेकिन मैंने बेवकूफ नहीं बनाया कभी भी आपको। बस कर दो हिना, मुझे तुम्हारी तरफ से किसी किस्म की कोई झूठी सफाई और बहाने नहीं चाहिए। तंग आ गया मैं इनसे। अब तंग आ गए मुझसे? हाँ तो क्यों तंग ना हो मैं तुमसे, क्यों तंग ना हो? मुझे एक रीजन दो तुम कि मैं तुमसे तंग ना हूँ। रोज रोज के झूठे वादे, रूप झूठे बहाने, जिस इंसान की किसी बात पर कोई एतबार ना हो, मैं उसे कैसे तंग नहीं आऊंगा, मुझे बताओ तुम। एहसन प्लीज, मैं आपसे वादा करती हूँ कभी दोबारा ऐसे नहीं होगा, आप मुझे बस एक आखिरी बार माफ करते। ना, मेरी बात कान खोल कर सुन ली, तुम्हारे पास अब गलती का भी कोई मार्जिन नहीं, ये बात समझ गया। आज बहुत अरसे बाद मैं वाकई नॉर्मल लगी हूँ, खुद को और शहजाद को भी। जहाँ शहजाद इस बात पे खुश थे, मैं भी बहुत खुश हूँ, मतलब मैं आहिस्ता आहिस्ता ठीक हो रही हूँ, बेहतरी की तरफ जा रही हूँ। और ये सब मेरे शौहर की कोशिशों से मुमकिन हुआ, जिन्होंने मेरा पागलपन बर्दाश्त किया और मेरी इतनी मदद की। है? अभी तो गई थी फिर आ गई, क्या कर रही हो? हाँ अम्मा, मैंने ये बैग रख ये बैग इसमें क्या है? रख के बताती हूँ। अरे बात तो सुनो हिना। ये क्या करते फिर रही हो तुम? अम्मा मुझे ना हालात कुछ ठीक नहीं लग रहे। क्या मतलब? कहाँ के हालात ठीक नहीं लग रहे? एहसन के और किसके? क्यों, क्या हुआ एहसन को, क्या कहा है उसने? उसने तो कुछ नहीं कहा, लेकिन सुबह ना उसकी वकील की कॉल आई थी और उसके वकील की बातों से मुझे ऐसे लगा जैसे एहसन मुझे तलाक देने वाला है। ला ला, क्या बकवास कर रही हो तुम? जो मुंह में आता है बोलती रहती हो। अम्मा मैं बकवास नहीं कर रही, सच कह रही हूँ। इसीलिए ना मैं लॉकर से ना कुछ जेवरात निकलवा के आ गई हूँ। अरे अरे पागल, ये क्या किया तुमने? अगर एहसन को पता लग गया तो क्यामत आ जाएगी। अम्मा कैसी बातें कर रही हो? अगर उसने मुझे निकाल दिया और मेरे हाथ में कुछ भी ना हुआ तो ज्यादा बड़ी क्यामत आ जाएगी ना। इतनी अक्ल से तो काम लेती नहीं हो। अच्छा मेरी बात सुनो, अब मैं जा रही हूँ घर पे, किसी को नहीं पता कि मैं यहाँ आई हूँ, तो खबरदार जो किसी को बताया। और वो जो अलमारियों को ताले लगा के रखती रहती हूँ ना, उसमें से किसी एक अलमारी के अंदर रख देना। चलो मैं जा रही हूँ। लेकिन ये हिना, हिना क्या हो गया? कॉल करने लगी थी अम्मा को, क्या हुआ? हिना ज्वेलरी कहाँ पर? कौन सी ज्वेलरी? हिना ज्वेलरी के डब्बे गायब है यहाँ से, कहाँ पर है वो ज्वेलरी?
कहा था ना मत रखे उस चोरनी को घर में वापस, दिखा दिया ना उसने अपना काम, हो गए ना बॉक्सेस गायब। बकवास बंद करो तुम अपनी और मुझे साफ साफ बताओ कि ज्वेलरी कहाँ रखी है तुमने। क्या आप मुझसे कैसे बात कर रहे हैं, इतनी बदतमीजी, मुझे कैसे पता होगा कहाँ है ज्वेलरी, और आप मुझसे क्यों पूछ रहे हैं ऐसे, मुझ पे शक कर रहे हैं? किस बुनियाद पे शक कर रहे हैं आप मुझ पे? क्या सबूत है आपके पास? सबूत चाहिए थे। चलो आप पागल तो नहीं हो गए? हाथ छोड़े मेरा अली बख्श। अरे मेरा हाथ छोड़े अली बख्श। हाथ तो छोड़। जी जी साहब। वहां खराब हो गया। जी जी साहब। अली बख्श उस दिन तुमने जो कुछ भी अपनी आंखों से देखा सब बताओ। साहब वो डरो मत, इस घर का मालिक मैं हूँ, कोई और नहीं। तुम्हें कोई कुछ नहीं कहेगा, मैं देखता हूँ तुम्हें कुछ कैसे कहता है। साहब उस दिन मैं किचन में काम कर रहा था तो मैंने बीबी जी को देखा कि वो क्वार्टर की तरफ जा रही है छुपकर। झूठ क्यों बोल रहे हो तुम, पागल तो नहीं हो गए हो? बकवास बंद। आगे बताओ अली बख्श। साहब जब मैं इनके पीछे गया तो मैंने क्वार्टर के पिछले हिस्से से देखा कि ये खालदा बीबी के बैग में जेवर छुपा रही है। बकवास बंद करो अपनी, तुम एक लफ्ज नहीं और निकालना तुम्हारी जान ले लूंगी। कितने पैसे खिलाए तुमने इसे बताओ? पैसे खिलाए होंगे ना तुमने, तभी झूठ बोल रहे। ऐसे ना आपको समझ क्यों नहीं आ रहा, ये नौकर आपस में मिले होते हैं, इनकी दोस्तियां होती हैं, ये दोनों मिलकर साजिश कर रहे हैं मेरे खिलाफ। हाँ सब झूठ बोल रहे हैं ना, सब झूठ बोल रहे हैं। उस दिन रामीन भी झूठ बोल रही थी तुम्हारे बारे में। उसने क्या कह दिया? वही सब जो वो कह रही थी तुम्हारे बारे में। ऐसा ये सब झूठ बोल रहे हैं आपसे, ये अलग करना चाहते हैं हम दोनों को, ये क्या चाहते हो तुम लोग मुझसे? साहब उनसे जो भी चाहे कसम ले लें, मैंने खुद अपने गुनहगार आंखों से देखा इनको जाते हुए। हिना इस दुनिया में सबके सब झूठे हैं सिवाय तुम्हारे। मेरी बात कान खोल कर सुन लो, तुम ज्वेलरी तुमने जहां भी रखी है वहां से वापस लेकर आ जाओ, वरना मैं तुम्हें पुलिस के हवाले करने में देर नहीं करूंगा। 24 घंटे हैं ना तुम्हारे पास, ज्वेलरी या फिर जेल। कैसी बातें कर रहे हो? तुम दोनों को मैं छोड़ूंगी नहीं, देखना। दिल तो कर रहा है कि मैं अभी इसी वक्त तुम्हें पुलिस के हवाले कर दूं। लेकिन मेरा जमीर मुझे गवारा नहीं कर रहा, क्योंकि मैंने अभी तुमसे प्रॉमिस किया था कि मैं तुम्हें जाने दूंगा, इसलिए माफ करता हूं मैं तुम्हें। शुक्रिया। कौन है आप? एसएम कौन है ये? तुम्हारा दोस्त, पहचाना नहीं तुमने? नहीं मैं नहीं जानती हूँ एसएम। अच्छा मैं पहली दफा देख रही हूँ इन्हें। आपको कोई गलत फहमी हुई है? कौन है आप? मंसूर अपना फोन दिखाना जरा। तो तुम इसे नहीं जानते? इन तस्वीरों में कौन है फिर इसके साथ? एडिटेड, ये तस्वीरें तो एडिट हुई हैं। कौन हो आप? क्यों मेरे पीछे पड़े हो? मेरी तस्वीरें क्यों एडिट की हैं? मैंने कहा था ना आपसे, कभी भी नहीं मानेगी। ऐसे में ये झूठ बोल रहा है, साजिश कर रहा है मेरे खिलाफ। घटिया औरत, हर बंदा इस दुनिया में झूठ बोल रहा है सिवाय तुम्हारे। हाँ मैंने तुम जैसा घटिया और धोखेबाज इंसान अपनी जिंदगी में नहीं देखा।
मेरा यकीन करें, ये सब लोग झूठ बोल रहे हैं। मुझे नहीं पता ये अलका बीबी खानसामा सब मेरे खिलाफ क्यों ऐसी साजिशें कर रहे हैं। आप प्लीज मेरा भरोसा करें, सबकी बातों में माता है। तुम्हारा भरोसा करूं मैं? तुम्हारा मंसूर, जो मुझे आज ऑफिस में बताने आए थे, जरा इसको बताओ। हिना, तुमने नहीं कहा था मुझसे कि मैं अलीना को डराऊं, धमकाऊं, ताकि तुम उससे अपना बदला ले सको? ऐसा नहीं, ये शख्स झूठ बोल रहा है, मैं आपको बता रही हूं, ये झूठा आदमी है। क्यों किया तुमने हिना ऐसा? क्या तुमने से नहीं कहा कि अलीना को ब्लैकमेल करें ताकि मेरा और अलीना का रिलेशनशिप खराब हो सके? मैंने सब कुछ भी नहीं कहा। क्या तुमने से नहीं कहा कि अलीना के कैरेक्टर को बद किरदार प्रूफ करें मेरे साथ? और इसके लिए तुम इसे बहुत ज्यादा पैसे दो, और वो पैसे तुम इसे मुझसे लेके दोगी? नहीं, वो तो शेर। चलो, इसी बहाने तुम्हारे मुंह से निकला तो सही कि तुमने पैसे दिए थे इसे, भले वो शहजाद के थे। ऐसे ना मेरी बात सुने, मेरी हूं ना मैं आपकी, मैं आपको सब कुछ सच बताऊंगी। आप इस शख्स से बोलने के जाए यहां से, मैं सारी हकीकत आपको खुद बताऊंगी। ये मुझे ब्लैकमेल करता था, ये भी एक फ्रॉड आदमी। जाओ तुम यहां से, जाओ, मैं आपको बताती हूँ। हिना, मैं अपने पूरे होशो हवास में तुम्हें तलाक देता हूँ। हिना, मैं तुम्हें तलाक देता हूँ। ऐसे निकाल मुझे जल्दी। हिना, मैं तुम्हें तलाक देता हूँ। कहाँ जा रही हो? तुम इद्दत में हो, तुम्हें कोई ख्याल भी है? यार अम्मा, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता इद्दत का। ये जो ज्वेलरी है ना, मैंने लॉकर में रखवा दूं इससे पहले कि ऐसा ना जाए। तुम इस ज्वेलरी को गायब कर दोगी, है ना? तुम इना बैग दो मुझे। मैं क्यों दूं? इसके अंदर जो कुछ भी है वो मेरा हक है। अरे, जिस चीज पे तुम्हारा हक नहीं है वो तुम इन्हें वापस दो ना। अम्मा, क्यों नहीं है मेरा हक? ये ज्वेलरी मेरे हक मेहर की है। हिना, इसमें जो तुम्हारा हक मेहर की ज्वेलरी है वो तुम रख लो, और बाकी बैग मुझे दे दो, वरना मैं पुलिस को बुला लूंगा। मैं ऐसा नहीं करूंगी। अच्छा, और कौन रोकेगा मुझे? हिना, मैं पुलिस को साथ लेकर आया हूं, और मेरे एक इशारे पर वो तुमसे ये बैग भी ले लेगी और तुम्हें बड़े आराम से साथ भी लेकर जाएगी। इसलिए शराफत से ये बैग दे दो मुझे तुम। नहीं बेटा, देखा, आज तुम्हारी वजह से इस घर में पुलिस आ गई है। मैं नहीं दूंगी। हिना, ये बैग मुझे दो। अम्मा, मैंने नहीं देना। हिना, मैं आपको बता रही हूँ, मेरी हक महल की चुनरी नहीं। हिना, ये बैग मुझे। नहीं हिना, ये बैग मुझे दे। हिना, छोड़ दो। हिना, छोड़ दो ये बैग। तो ऐसे ना, आप ज्यादती कर रहे हैं, आप नहीं लेके जा सकते मेरा बैग। जाने अनजाने में मैंने तुम्हारे साथ बहुत ज्यादती कर दी है अलीना, मैं खुद को कभी माफ नहीं कर सकूंगा। तो पता है एहसन, एक लड़की की शादी के कार्ड बढ़ जाए और उसकी शादी टूट जाए, उसके बाद उस लड़की के घर वाले, उसका पूरा खानदान जो जिल्लत बर्दाश्त करता है ना, मैं कहती हूँ कि खुदा किसी दुश्मन को भी ऐसी सजा ना दे। हो सके तो मुझे माफ कर देना अलीना। मैंने कहा ना ऐसे, मुझे अब सच में कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि मेरा हम सफर अब शहजाद है। मेरे खुदा ने उसे मेरे लिए चुना, जिसे मेरे किरदार की किसी गवाही की जरूरत नहीं है। आइंदा मुझे कॉल ना करना। खुदा हाफिज। राजया भूलता है।
क्या पी लिया। अरे ये क्या कर रही हो? कितनी दफा मैंने तुम्हें मना किया कि मेरे बैग को मत छेड़ा करो, इधर उधर हो जाती हैं चीजें, सुनती नहीं हो, पता नहीं क्या। ये क्या है? इन तस्वीरों का क्या मकसद? तस्वीरें हैं मेरी, खूबसूरत हूं, जवान हूं, पढ़ी लिखी भी हूं, तो शादियों ने मेरा क्या बिगाड़ है? अभी भी कोई देखे ना तो देखता ही रह जाता है। मैं आपको बस कह दूं, आप ये तस्वीरें ना दिखा दीजिएगा उन्हें, और बाकी तो आपको कुछ भी नहीं करना पड़ेगा, उतनी पसंद आ जाऊंगी उन्हें। दिन कैसा रहा ऑफिस में? ठीक था। ऐसा आया था आज ऑफिस, उसे हकीकत पता चल गई है, माजरत कर रहा था, बहुत शर्मिंदा है वो। अच्छा, सही। उसने हिना को तलाक दे दिया। क्या कह सकते हैं? तुम्हें सुनकर कोई हैरत नहीं हुई? नहीं, क्योंकि ये सब जानती हूं मैं। तुम्हें पता था, पर मुझे तो तुमने कुछ नहीं बताया। क्योंकि शहजाद, अब ना मेरे पास्ट का ताल्लुक मेरे प्रेजेंट से नहीं है। सच बताओ तो मुझे कोई फर्क भी नहीं पड़ता, बहुत आगे निकल चुकी हूं मैं, और शायद मुड़कर देखना भी नहीं चाहती। शहजाद, मैं बहुत खुश हूं अपनी जिंदगी में, एंड इट्स ऑल बिकॉज ऑफ यू। मैं खुश हूं क्योंकि आप मेरे शौहर हैं। अब कोई नहीं चाहती कि हमारे दरमियान कोई आए। मैं हमेशा तुम्हारे साथ, हमेशा।